Good morning, yes, from good morning. Chalia. अच्छो वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि मैंने कहा था सात दिन के अंदर में बुक आ भी जाएगी और डिस्पैच होना शुरू भी हो जाएगी और ठीक उसी तरीके से हुआ आप सभी के सामने प्रेजेंट करते हुए बड़ी खुशी हो रही है मुझे दी इनकम टैक्स बुक बहुत ही जबरदस्त बुक है बुक को बहुत सटल रखा गया है इस साइज में आ रही है आपकी बुक तो इतने साइज में कॉम्पैक्ट करके रख दिया है आपकी बुक को इट्स अ मल्टी कलर बुक और ये बुक कल से हमने ऑलरेडी डिस्पैच करना शुरू कर दिया है जिन जिन की बुक ऑलरेडी डिस्पैच हो गई होगी कल उन्हें मेल भी आ गया होगा सी एस ई एस विजय सारडा ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम से ये मेल आप सभी के पास पहुंच चुका होगा जिन जिन लोगों के ऑर्डर डिस्पैच हो गए होंगे उन उन लोगों को ये मेल मिल गया होगा राइट मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा उन लोगों को ये मेल ऑलरेडी मिल चुका होगा अच्छा जिनको इनबॉक्स में नहीं दिख रहा है प्लीज स्पैम में चेक करना कई बार आपके रिस्ट्रिक्शंस के कारण वो स्पैम में चला जाता है तो सी एस एस में जैसे से ये सर्च कीजिएगा तो आपको आ सकता है और अगर, अगर अब तक आपको नहीं आया तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है आज में भी आज या कल आप वेट कर लीजिए आपको ये मेल आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स के कारण हम लोग भी डेली इसको कर रहे हैं मैं और मेरी पूरी टीम पूरी वी लर्न की टीम कल रात साढ़े बारह बजे तक के बैठी थी और करीब करीब हम लोगों ने मोर देन थ्री हंड्रेड ऑर्डर्स डिस्पैच एंड पैक किए हैं सो so, आज टेंटेटिवली हम अगेन उतने ही ऑर्डर्स के लिए आ, आ, वर्क करने जा रहे हैं तो जो बच्चे इनिशियली जैसा कि मैंने कहा था जिन्होंने सबसे पहले ले लिया फीफो बेसिस पे उनको हमने ये शिफ्ट करना चालू कर दिया है सो बुक्स एंड ऑल एवरीथिंग इज सफिशिएंट सबको फटाफट फटाफट मेल भी आने वाले हैं तो जिनको मेल आएगा यस yes, यहाँ पे कई लोग बैठे हैं जैसे निदेश हो गया निशांत हो गया अनुष्का हो गए इन लोगों को मेल ऑलरेडी रिसीव हो चुका है जिनको मेल रिसीव हो चुका है मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा जिनको मेल रिसीव हो चुका है मेल आपको रिसीव हुआ इसका मतलब आपका बुक डिस्पैच हो चुका है अगर आपको मेल रिसीव हुआ इसका मतलब आपको बुक डिस्पैच हो चुका है राइट अच्छा अब आपको कितने दिन वेट करना है मिनिमम से मिनिमम चार दिन डिपेंडिंग अपॉन योर सिटी एंड स्टेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम सात दिन राइट आपकी बुक्स आप तक के पहुंच जाएगी अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिन जिन बच्चों को मेल पहुंचा उन्होंने मेल ओपन करके देखा होगा सबसे पहले उनको एक मस्त वेलकम नोट आया होगा और उसके बाद उनको अलग अलग चीज मिली होगी जैसे विंडोज uh, प्लेयर का डाउनलोड लिंक मिला होगा मोबाइल प्लेयर का डाउनलोड लिंक मिला होगा जो जहां पे भी जैसे देखना चाह रहा है इसके बाद में ड्राइव इन प्लेयर लिंक मिला होगा आपने पेन ड्राइव भी सिलेक्ट किया है तो आपको ड्राइव का एक्सेस हम लोगों ने दिया है अब ये ड्राइव क्या है ये ड्राइव के अंदर में, में मेरे सारे लेक्चर रखे हुए हैं चाहे आप इंटर के बोलो चाहे आप फाइनल के बोलो लेकिन वो ऐसा है कि आप ड्राइव में जाएंगे आपको बहुत सारे लेक्चर दिखेंगे आप बोलोगे चल मैं ये भी डाउनलोड कर लेता हूँ ये भी डाउनलोड कर लेता हूँ पॉसिबल नहीं है आपको जिस चीज की, की मिली है वही लेक्चर ओपन होगा इसके अलावा कोई लेक्चर ओपन नहीं होगा तो कोई और टेस्ट भी करना चाहता है तो प्लीज आप इसको मत कीजिएगा ये टाइम वेस्ट होगा दूसरी इंपॉर्टेंट बात जब आप अपने लेक्चर में जाएंगे तो वहां एक मैंने वीडियो बना के रखा है हाउ टू एक्टिवेट योर लेक्चर पंद्रह मिनट का मात्र वीडियो है जो एप आप आपको मिला है उस ऐप के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा डाउनलोड कर सकते हैं और वो वीडियो को सबसे पहले अगर आप देख लेंगे तो आपको कहीं कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक बहुत ही सिंपल का प्रोसेस है इस पूरे सिंपल से प्रोसेस में आपको आपका एक्टिवेशन बताया हुआ है राइट प्लेयर के बारे में बताया हुआ है एक्टिवेशन के बारे में बताया हुआ है और किस किस तरीके से आप क्या क्या चीज करेंगे जब आप यह मेल रिसीव करेंगे तो इनफैक्ट आपको आपके बुक का ट्रैकिंग आईडी भी मिल जाएगा मतलब एक्टिवेशन की तो मिला ही मिला क्लास कोड मिला इसके साथ साथ आपको ट्रैकिंग आईडी भी मिल जाएगा आपको एक ट्रैकिंग नंबर और एक वेबसाइट मिल जाएगी इस वेबसाइट पे जाकर के आप ट्रैक कर लेंगे राइट ट्रैक कर लेंगे जब भी आपको मेल रिसीव हुआ ट्रैकिंग इसके दो तीन दिन बाद स्टार्ट करना क्योंकि वो कहीं ना कहीं पहुंचेगा ट्रैकिंग जब हम अलॉट करते हैं इसका मतलब आज हमने उसको डिस्पैच किया है ये दो तीन दिन बाद आपको स्टेटस बता सकेगा कि एग्जैक्टली वो है किधर राइट right? चलिए सर आपने प्रेस्टीज पॉइंट से लिया है तो प्रेस्टीज पॉइंट्स पे बुक पहुंच सकती है क्या आज हम लोग प्रेस्टीज पॉइंट पे इस चीज बुक्स भेजने वाले हैं तो मे भी अगर आपको प्रेस्टीज से कलेक्ट करना है तो आप कलिया परसों में करिएगा डन और जैसा कि मैंने कहा कई लोगों को जहां तक के मेल नहीं आया डोंट दें, वरी सर क्या लाइव चैट पे ऐसे ही चैट करने का ऑप्शन है बिल्कुल हां हमने ये चीज का ध्यान रखा है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है उस पर चैट करने का ऑप्शन है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हम लोग तीन दिन बाद यहां पे शिफ्ट होंगे न्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर तो आप वहां पे आ सकते हैं यस और इससे रिलेटेड कोई भी तकनीकी प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको मेरा नंबर दिया है टेक्निकल इशू का आप बिल्कुल उसके ऊपर कांटेक्ट कर लीजिए आपको हंड्रेड परसेंट सपोर्ट मिल जाएगा या मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की गरज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो पंद्रह मिनट का वीडियो आपने देख लिया तो ईमानदारी से यस चलिए आगे बढ़ू मालिक आगे बढ़ू प्रभु So, आपने जिधर से भी परचेस किया जैसे भी परचेस किया है डोंट वरी अबाउट इट इट विल बी गोइंग डन और बाकी जितने लोग अभी पूछ रहे सर मेरे को एक्टिवेशन नहीं आया एक्टिवेशन नहीं आया जैसा कि मैंने आपसे कहा मेरे बच्चे हम लोगों ने कल अराउंड मोर देन 300 को प्रोसेस किया आज आ जाएगा वेट कीजिए जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था टाइम लिमिट्स के साथ वादा किया था ये टाइम लिमिट्स मैं ऑलरेडी पूरी कर रहा हूं आपकी चीज आ जाएगी और जब तक बच्चे तक नहीं पहुंचती सारी चीज एक्टिवेशन वाली तब तक के मैं सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट नहीं होऊंगा डोंट वरी आपको तकलीफ नहीं होगी ये मेरे तरफ से आपको वादा है डन प्रभु चलो आ जाओ कंसेप्ट भी शुरू कर ले लेस कंसेप्ट भी शुरू कर ले जाओ बेटा क्या पढ़ा था हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रभु याद हो तो हम लोगों ने बेसिक टॉपिक पूरा का पूरा खत्म कर दिया था मैंने आपको होमवर्क दिया था तीन प्रॉब्लम्स चार प्रॉब्लम्स अगर आप को याद हो तो मैंने चार प्रॉब्लम आपको होमवर्क दिए थे उम्मीद करता हूं कि ये चारों प्रॉब्लम आपने किए होंगे चलिए प्रॉब्लम नंबर सिक्स का जवाब बताइए फटाफट प्रॉब्लम नंबर सिक्स का जवाब बताइए प्रॉब्लम नंबर सिक्स का जवाब बताइए जल्दी से बताओ प्रॉब्लम नंबर सिक्स का आंसर बताओ फोर्टी थ्री लैख थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज जस्ट टैक्स सो आपका टैक्स निकला फोर्टी थ्री लैख थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्या सरचार्ज लगेगा बिल्कुल लगेगा सर कितने परसेंट से लगेगा फिफ्टीन परसेंट सर क्या इसमें एच ई सी एड होगा कितना होगा सर टोटल इज इट फाइव वन एट वन सिक्स सेवन जीरो इज इट फाइव वन एट वन सिक्स सेवन जीरो एप करेक्ट आप सभी का जवाब यहां पे मेरे को देखने को मिल रहा है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है आप सभी का ये जवाब आ चुका है बहुत शानदार वेरी गुड वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम नंबर सेवन मिस्टर रॉकेट की एज फोर्टी वन ईयर्स है और उनकी कुछ इनकम है सो लॉन्ग टर्म आया होगा आपका फाइव लाख शॉर्ट टर्म आया होगा प्रभु आपका सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड और आपका अदर इनकम आया होगा सेवन नाइन वन टू फाइव डबल जीरो इज इट नाइन्टी वन लैख थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो टोटल टैक्स बना होगा नाइन्टी वन लैख थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसमें ऐड करेंगे सरचार्ज बराबर अब सरचार्ज आपको नहीं लगता अलग अलग कैलकुलेट होगा यस लॉन्ग टर्म के ऊपर का सरचार्ज लॉन्ग टर्म के ऊपर का सरचार्ज सेवेंटी फाइव थाउजेंड शॉर्ट टर्म के ऊपर का सरचार्ज वन लैख एट थाउजेंड अदर के ऊपर का सरचार्ज नाइनटीन लैख सेवेंटी एट थाउजेंड वन ट्वेंटी फाइव इज द सरचार्ज पोर्शन ट्वेंटी वन लैख सिक्सटी वन थाउजेंड वन ट्वेंटी फाइव चार परसेंट का एच ई सी फाइनल आंसर कम्स टू वन करोड़ सेवेंटीन लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड थ्री सेवेंटी टेल मी इज दिस योर आंसर यस वन करोड़ सेवेंटीन लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड थ्री सेवेंटी इज दिस योर आंसर फॉर्मेट आप अपना ही रखेंगे मेरे को तो डायरेक्ट आंसर निकालना था क्योंकि ये होमवर्क था इज दिस योर आंसर प्रभु इफ यस कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ यू हैव डन अ फेंटास्टिक जॉब और क्या ही चाहिए जीवन में आंसर निकाला हुआ मैच कर रहा है डन है जी सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ग्रूट फोर्टी एट ईयर्स ठीक है कर लेते हैं लॉन्ग टर्म आया फोर लाख रुपीस, शॉर्ट टर्म आया वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज अदर एटीन सेवन वन करोड़ एटी सेवन 12,500 ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटल वन करोड़ नाइन्टी टू लैख सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एड करेंगे सरचार्ज फोर्टी थाउजेंड सॉरी Sixty thousand twenty-two five hundred six nine two three six two five. टोटल टू करोड़ सिक्सटी टू लैख सिक्सटी एट थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी फाइव इसमें एच ई सी एड करो टू करोड़ सेवेंटी थ्री लैख नाइनटीन थाउजेंड थ्री सेवेंटी शुड बी द आंसर इज दिस योर आंसर टू करोड सेवेंटी थ्री लॅक नाईनटीन थाउजन थ्री सेवेंटी शुड बी आर आनसर से एस चेक करो देने मालिक और क्या ही चाहिए आप बताओ यस चलो मालिक लास्ट क्वेश्चन टैक्स लाइबिलिटी ऑफ हल्क अब ये बड़ा समझदार वाला क्वेश्चन है और जिन्होंने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा वही इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे यस सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म के ऊपर सिक्स लाख और अदर के ऊपर फिफ्टी फाइव लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटल सिक्सटी वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो यहां पे आया टोटल सिक्सटी वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट बुरा नहीं लगना चाहिए आपको ये फिफ्टीन परसेंट पे सेवन जीरो टू नाइन थ्री सेवन फाइव इसमें एच ई सी एड करेंगे फाइनल आंसर इज सेवन थ्री वन जीरो फाइव फाइव जीरो सेवन थ्री वन जीरो फाइव फाइव जीरो जिसको समझ में आ गया और जिसके आंसर आपसे करेक्ट है प्राउड ऑफ यू मुझे तुम पे डेढ़ किलो प्राउड है आज मैक्सिमम आप सभी के होमवर्क करेक्ट आए हैं मैक्सिमम आप सभी के होमवर्क करेक्ट आए हैं तो उस मामले में मैं जरा हैप्पी हूं आज कि हाँ चलो ठीक है बच्चे ईमानदारी से लेजिट ईमानदारी से अपना काम करे जा रहे हैं सो सेवन थ्री वन जीरो फाइव फाइव जीरो इज द फाइनल आंसर और इसी के साथ हम हमारा चैप्टर नंबर वन खत्म करते हैं लास्ट वाले में सरचार्ज पंद्रह परसेंट होगा क्योंकि नॉर्मल प्लस स्पेशल मिला के दो करोड़ के ऊपर जा रहा है यस सर ऐसे क्वेश्चन आते क्या पेपर में बेटा ये पेपर के ही क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ डाला हुआ है अलग अलग ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो सिचुएशन बनी थी वो यहां डाला हुआ है बिल्कुल बोल सकते हैं सर एओपी में आप नेचुरल एज वेल एज अदर नहीं है डन सो चैप्टर नंबर वन यहां पे खत्म होता है चैप्टर नंबर वन में हमने क्या किया कुल मिलाकर के देखिए चैप्टर नंबर वन में हमने बहुत कुछ किया सो so, आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं कहां मैं आपको ले करके चलता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के ऊपर ये जो मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आई का है वैसे सी एस एन सी एम इंस्टीट्यूट के भी सेम है जब चैप्टर नंबर वन कवर होते हैं तो ये एज़ इट इज़ है मेरे से सभी बच्चे एक अच्छे से आ, सवाल पूछते हैं कि सर क्या हमने मॉड्यूल को कम कं, कंसिडर किया है कि नहीं देखिए मैं एक बात बत, आपको बता दूं जी हां बिल्कुल कंसिडर किया है इंक्लूडिंग पास्ट ईयर आर टी पी एम टी पी वो भी हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है राइट तो आपको पास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर आर टीपीपी जो आता है वो भी हमने कंसिडर किया हुआ है मॉड्यूल हमने कंसिडर किया हुआ है ये आपको मैं बता रहा हूं ताकि आप एक बार देख करके समझ ले कि हाँ हमने सब कुछ कवर किया है मे 22 नवंबर 22 के लिए ऑलरेडी मॉड्यूल आ चुके हैं राइट और इस मॉड्यूल से ही मैं आपको बता दूं कुछ सवालों के जवाब मैं अभी दे दूं पॉइंट नंबर वन सर क्या मॉड्यूल Uh, पढ़ना है इसके अलावा देखिए वैसे तो पूरा का पूरा मॉड्यूल का कंटेंट हमने कवर किया हुआ है फिर भी आपके पास टाइम बचता है तो डेफिनेटली पढ़िए मॉड्यूल को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल मत करना देखिए एक बात मैं आपको बता दूं आप कोई भी रैंकर्स लो इस बार तीन से ज्यादा रैंकर्स थे हमारे हर रैंकर ने एक ही बात बोली कि भैया मॉड्यूल को नहीं छोड़ना है तो मॉड्यूल आप पढ़ के जाइए आपके पास टाइम है तो वैसे हमने सारी चीज़ें कवरेज करके रखी है राइट पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू सर मॉड्यूल क्या ऑर्डर कर दे मे ट्वेंटी टू नवंबर ट्वेंटी के मिल रहे होंगे तो डेफिनेटली ऑर्डर कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा तीसरा कब पढ़ना सर मेरे हिसाब से आपके क्लासेस हो गए तो वो पर्टिकुलर चैप्टर आप फटाफट देख लें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनफैक्ट वहां के प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर लें यस मेरे को ऐसा लगता है चलो आप सबसे पहले वो हमें बताते हैं इंट्रोडक्शन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का आप देख लीजिएगा सब कुछ कवर है या नहीं यस yes? तो इधर देख लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स वाई टैक्सेस आर लेविड टैक्सेस क्यू लेवी किया जाता है सेवेंथ शेड्यूल टू आर्टिकल 246 यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में डिवीजन देता है इनकम टैक्स के कंपोनेंट्स है इनकम टैक्स एक्ट फाइनेंस एक्ट इनकम टैक्स रूल सर्कुलर नोटिफिकेशन एंड लीगल डिसीजन कुछ याद आता है स्कोप ऑफ इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स में क्या क्या दिया हुआ है फर्स्ट अप्रैल 1962 को चालू हुआ 298 सेक्शन थे नंबर ऑफ शेड्यूल्स थे सेक्शन क्या होता है सब सेक्शन क्या होता है क्लॉज क्या होता है सब क्लॉज क्या होता है यही लिखा है कहीं और जाने की जरूरत नहीं है मतलब आपको जो लग रहा था कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है तो ये देख लो ये पढ़ाया जा रहा है ये सब आपके इसमें लिखा हुआ है यस yes. इसके बाद प्रोविजो क्या होता है एक्सप्लेनेशन क्या होता है पढ़ाया हम लोगों ने प्रोविजो क्या होता है एक्सप्लेनेशन क्या होता है इसके बाद फाइनेंस एक्ट फाइनेंस एक्ट का पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री हमने सीधा फाइनेंस एक्ट पढ़ लिया पार्ट वन पार्ट टू की हमें जरूरत नहीं फिर इनकम टैक्स रूल्स फिर सर्कुलर्स क्या होते हैं नीचे की लाइन देख लो सर्कुलर्स आर इश्यूड फॉर गाइडेंस ऑफ ऑफिसर एंड ऑफ एस एसी द डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय द सर्कुलर वेल सच सर्कुलर आर नॉट बाइंडिंग ऑन एस एस याद आ रही है ये लाइन आपको यस yes, अच्छा जिनको लगता है ये मॉड्यूल नहीं आए बेटा आपको बताओ मॉड्यूल कहा मिलेंगे आईसीए पे जाइए बी नॉलेज पोर्टल पे जाइए बी नॉलेज पोर्टल पर सी इंटर में जाकर के आपको ये मिल जाएंगे फिर केस लॉस क्या होते हैं वो हमें बताया है फिर टोटल इनकम और टैक्स पेबल बताया गया है कि टोटल इनकम और टैक्स पेबल कैसे निकाला जाता है हेड्स ऑफ इनकम के बारे में डिस्कस किया है पांच हेड ऑफ इनकम सब देखो सब कुछ कवर है सब कुछ कवर है डिडक्शंस मतलब क्या होता है वो बताया है क्लबिंग सेट ऑफ क्या होता है वो बताया है हालांकि क्लबिंग सेट ऑफ मैंने आपको बोला मैं आगे बताऊंगा डिडक्शन कैसे कैसे मिलते हैं वो बताया है कैसे कंप्यूट करना है पांच हेड की इनकम को मिलाओ इसमें क्लबिंग सेट ऑफ लगाओ आपका बनेगा ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करो क्या हो जाएगा बेटा टोटल इनकम यस चलिए इसके बाद रेट ऑफ टैक्स के बारे में बात की गई है रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए एच ई सी एडवांस टैक्स और टी के बारे में बताया लेकिन हमने कहा हम आगे इसको चैप्टर में कवर करेंगे इसके बाद अगर एक्ट में कोई चीज डिफाइंड है तो क्या करें एक्ट में कोई चीज डिफाइंड नहीं है तो क्या करें असेसी का डेफिनेशन असेसमेंट का डेफिनेशन पर्सन का डेफिनेशन असेसमेंट का डेफिनेशन हमने लिया नहीं हम आगे लेंगे रिटर्न ऑफ इनकम में फिर पर्सन के डेफिनेशन में इंडिविजुअल एच यू एफ देखते जाओ कंपनी फर्म एओपी बी ओ आई लोकल अथॉरिटी एजेपी सारी चीजें कवर है डिटेल डिस्कशन के साथ फिर इनकम का डेफिनेशन सेक्शन 224 में पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई थी इनकम की वो हमने कंसिडर किया कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैजुअल रिसीट ये वाला कंसेप्ट हम लोगों ने कवर किया राइट right. उसके एग्जांपल्स दिए फिर नीचे इंडिया मतलब क्या होता है हमने ये कंसिडर किया असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर कंसिडर किया अनडिसक्लोज सोर्स ऑफ इनकम हमने नहीं पढ़ा ये हम अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे सो so, आपके मॉड्यूल का सारा पार्ट कवर है बट हो सकता है मेरे बुक में उसको मेरे को जहां पढ़ाना होगा वो वहां कवर है तो ये चीज मैंने अदर सोर्सेज में रखी है एक्सेप्शन टू द जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर कितने एक्सेप्शन थे पांच क्या तुम्हें याद है नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस ए बी ऑ फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्लोजर ऑफ बिजनेस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू ओवर टैक्स डिसकंटिन्यूड बिजनेस यस इसके बाद में रेट ऑफ टैक्स पे आए रेट ऑफ टैक्स पे आए फिर इन्होंने नॉर्मल स्लैब रेट पढ़ाया सीनियर सिटीजन के लिए सुपर सीनियर सिटीजन के लिए फिर ये वो क्लैरिफिकेशन सिक्सटी और एट्टी ईयर्स अगर कोई फर्स्ट अप्रैल को हो रहा होगा तो उसका क्या एक 115 BAC नाम की चीज यहां पे देखो आपको मॉड्यूल के अंदर में दिख रही है मैंने आपसे कहा कि बॉस ये चीज हम लोग एक सेपरेट चैप्टर के फॉर्म में ले रहे हैं फिर इनके प्रॉब्लम्स जो हमने बहुत सारे कंसिडर किए डोमेस्टिक कंपनीज के, के केस में देखो टैक्स रेट प्रीवियस ईयर 1920 में टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे है तो 25 परसेंट अदर केस में 30 परसेंट और कंपनीज के लिए एक ऑप्शनल टैक्स आया 115 एंड फिफ्टीन यस उन्होंने क्लियर कट लिख के दिया दिस सेक्शन विल बी डेल्ट इन फाइनल लेवल क्लियर कट उनने लिख के दिया दिस सेक्शन विल बी डेल्ट इन फाइनल लेवल सो हमें वो चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये रॉयल्टी वाला पार्ट आपको आगे आने वाला है स्पेशल रेट ऑफ इनकम के बारे में कौन भूल सकता है स्पेशल रेट ऑफ इनकम सरचार्ज सरचार्ज का टेबल देखो जरा याद आ रहा है क्या ये वही टेबल है जो आपके नोट्स में ये वही टेबल है जो आपके नोट्स में है फिर मार्जिनल रिलीफ नाम की कोई चीज यस आ जाओ ये पूरे प्रॉब्लम जो हमने भी कंसिडर करके रखे हैं एज इट इज यहां से आपकी समरी शुरू हो जाती है ये आपके पूरे चैप्टर की समरी शुरू हो जाती है गेम ओवर गेम ओवर यस और नो कंप्लीट है मालिक पूरा का पूरा सारे प्रॉब्लम कुछ आपकी बुक में दिए हुए हैं कुछ आपके क्वेश्चन एयर में दिए हुए हैं जब क्वेश्चन एयर मैं आपको भेजूंगा तब तो उसके अंदर में और भी मैक्सिमम पार्ट कवर मिलेंगे आपको राइट right? अच्छा बच्चा मेरे से सवाल पूछेगा सर इस बुक क्वेश्चन एयर और ये कब कब पढ़ना है जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा पहले मैं कहूंगा आपके पूरे कंसेप्ट ओवर कीजिए ये बुक के सारे क्वेश्चन ओवर कीजिए और उसके बाद टाइम मिलता है तो आप क्वेश्चन कीजिए अदरवाइज फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे आप क्वेश्चन उठाएंगे यस yes, हो गया आपका मॉड्यूल कवर और ऐसे ही हर चैप्टर के बाद में हम मॉड्यूल के ऊपर जाएंगे और बताएंगे देख बेटा ये इधर ये था मॉड्यूल में इधर ये था मॉड्यूल में और ये कवर कर लिया पूरा का पूरा हो गई खुशी मिल गया सुख बढ़े आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़े चलो प्रभु मैं बढ़ रहा हूं अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर नेक्स्ट चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस क्या नाम है बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस डन सर मार्जिनल रिलीफ सिर्फ इंडिविजुअल को है क्या अच्छा याद दिलाया मार्जिनल रिलीफ सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं है ऊपर आकर के देखो मैंने यह चीज आपको पहले भी बताई है वापस एक बार बता देता हूं मार्जिनल रिलीफ हर एस के लिए एवरीबडी कम मार्जिनल रिलीफ हर एस के लिए जहां पर सरचार्ज लग रहा है अगर आप लोकल अथॉरिटी और फर्म है लोकल अथॉरिटी और फर्म है तो आपको सरचार्ज एक करोड़ के ऊपर लगता है तो एक करोड़ के जैसे इनकम स्लाइटली ऊपर होगी आप टैक्स निकालोगे अप टू वन करोड़ प्लस टोटल इनकम माइनस वन करोड़ कंसेप्ट रहेगा हर एक के लिए एप्लीकेबल है जहां जहां पे सरचार्ज लगता है वहां वहां पे डोमेस्टिक डोमेस्टिक कंपनी कंपनी को सरचार्ज एक करोड़ और दस करोड़ के ऊपर लगता है सो टोटल इनकम अप टू वन करोड़ निकालेंगे फिर टोटल इनकम माइनस वन करोड़ कर देंगे यही दस करोड़ वाला मैटर होगा तो टोटल इनकम अप टू टेन करोड़ अलॉन्ग सरचार्ज ऑफ सेवन परसेंट प्लस टोटल इनकम माइनस टेन करोड़ फॉरेन कंपनीज के लिए हम सेम काम करने वाले हैं फॉरेन कंपनी के लिए भी हम सेम काम करने वाले इन शॉर्ट इज मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल टू इंडिविजुअल यहां पे आप लिख सकते हो मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल टू ऑल एस एस मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल टू ऑल एस निकालने का तरीका बिल्कुल वही निकालने का तरीका बिल्कुल वही डन चलिए बाकी सारे बच्चे जो इधर चैट कर रहे हैं प्लीज बंद करें कोई कोई मतलब का नहीं है अपने अपने काम पे ध्यान दे फोकट की चीजों पे आप ध्यान मत दें और एक बच्चा जो टेंथ का आया है बेटा डेफिनेटली आप सीए में आइए कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले आप अपना ट्वेल्थ कंप्लीट कीजिए उसके बाद आप फाउंडेशन का एग्जाम दीजिए डन चलो बेटाओ अब आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर अब आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर राइट right? दो बातों को जरा फोकस करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस कितने मार्क्स को आएगा ये टॉपिक ये टॉपिक आपको छ से आठ मार्क के लिए आ सकता है रेंज चलता है जो इसका वो छे से आठ मार्क का चलता है हर दो अटेम्प्ट बाद हर दो अटेम्प्ट बाद आप क्या कर सकते हो इसके यू नो एक खाद क्वेश्चन देख सकते हो हर दो अटेम्प्ट के बाद इस पर एक क्वेश्चन रहता है ये छ से आठ मार्क का डिपेंडिंग अपॉन क्या होता है राइट right? अच्छा जी रेसिडेंशियल स्टेटस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं एक और बात मैं आप सभी को बता दूं बाकी इसके अलावा जितने भी लोग हैं पॉइंट नंबर वन एक जन जो कंटिन्यूसली चैट करे जा रहा है बेटा जो भी आपका नाम है टफ गेमर ओरिजिनल में आपका जो भी माँ बाप ने नाम रखा होगा अभी मैंने आपसे आपका जवाब दे दिया प्लीज़ ये स्पैमिंग करना बंद करो और आप कमेंट ही करना बंद कर दो पॉइंट नंबर वन दूसरे जो इनके साथ कमेंट करने बैठे हैं प्लीज़ ये बंद करो ये आपको शोभा नहीं देता अपन कंसेप्ट के ऊपर है उसका कुछ नहीं जाएगा आपका बहुत कुछ चला जाएगा ठीक है उसका काम ही यही है बट आपका काम कुछ और है डन तीसरी चीज इसके नोट्स कहां अवेलेबल है मैंने टेलीग्राम के ऊपर कल रात को ही अपडेट कर दिए थे आप वहां से जाकर के ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डन प्रभु आइए आगे, आगे बढ़ते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस छह से आठ मार्क के लिए आता है सर थेरी आता है या प्रैक्टिकल आता है दोनों कवरेज होता है इसके अंदर में आपको भी आ सकता है आपको प्रैक्टिकल भी आ सकता है आपको थेरी भी आ सकता है आपको प्रैक्टिकल भी आ सकता है तीसरी चीज तीसरी चीज सर ये रेसिडेंशियल स्टेटस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि मैंने कहा हर दो अटेम्प्ट के बाद एक बार इसको पूछा जाता है तो ये उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं बनता पर हां ये रेलेवेंट जरूर है यस yes, ऐसा नहीं है कि हर साल ही आएगा ये टॉपिक हर अटेम्प्ट में आएगा हर अटेम्प्ट वाला टॉपिक नहीं है अच्छा जी सर रेसिडेंशियल स्टेटस इंटर लेवल पे तो ये बहुत कम है फाइनल लेवल पे ये बहुत ज्यादा है फाइनल लेवल पे ये बहुत ज्यादा है दूसरी एक और बात मुझे पर्सनली लगता है सेक्शन नाइन का कवरेज जो आपको इंटर पे दिया है वो नहीं होना चाहिए था ये फाइनल पे होना चाहिए था क्योंकि फाइनल में आपको इंटरनेशनल टैक्स है तो बहुत सारी चीज आपको फाइनल में कवर जो यहां कवर यू नो नहीं होनी चाहिए थी बट स्टिल आपको दिया हुआ है और हम मजे के साथ पढ़ेंगे चैप्टर बताने की क्या कोशिश करता है चैप्टर बताने की क्या कोशिश करता है चैप्टर बताने की कोशिश करता है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को इनकम इंडिया से आ रही है नो डाउट इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया पर जरा सोच के देखिए हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ इंडिया से भी पैसा कमा रहे होंगे शाहरुख खान को ले लीजिए विराट कोहली को ले लीजिए अमिताभ बच्चन को ले लीजिए ये लोग रेसिडेंट होते हुए भी आउट ऑफ इंडिया से इनकम कमा रहे हैं क्या ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है इस सवाल का जवाब ये चैप्टर देगा एट द सेम टाइम दूसरी बात कई नॉन रेसिडेंट्स इंडिया से इनकम कमा रहे हैं अब जैसे कई सिंगर हैं जो पाकिस्तान के कई एक्टर्स और आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के जो इंडिया में आते हैं इंडिया में आकर के एक्टिंग करते हैं या गाना गाते हैं और उसके बाद यहां से इनकम कमा करके लेके जाते हैं अब एक और सवाल उठता है कि क्या ये इनकम यहां पर टैक्सेबल है जो इनकम उनने कमाई नॉन रेसिडेंट है क्या वो टैक्सेबल है इन सवालों के जवाब आपको यहां मिलेंगे कि व्यक्ति की जो इनकम होती है इंडिया से या आउट ऑफ इंडिया से इसे टैक्स कहा किया जाएगा यह चैप्टर इस सवाल का जवाब देता है अच्छा क्या इंपॉर्टेंस रखता है टोटल इनकम में चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है साथ. जब तक कि आप व्यक्ति की टोटल इनकम ही नहीं निकालोगे आप उसका टैक्स नहीं निकाल सकते चैप्टर का क्या है जब तक आप व्यक्ति की टोटल इनकम नहीं निकाल सकते आप उसका टैक्स नहीं निकाल सकते टोटल इनकम के लिए यह देखना होगा कि कितनी इनकम टैक्सेबल है इंडिया में आने वाली या इंडिया के बाहर से आने वाली कितनी इंडिया में टैक्सेबल है यानी टोटल इनकम निकालने के लिए आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना जरूरी है कायम तो में टोटल इनकम निकालने के लिए आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना जरूरी है अगर आपने रेसिडेंशियल स्टेटस ही नहीं निकाला तो आपको आपकी टोटल इनकम नहीं मिल सकती अग्रीड यस yes, क्योंकि इंडिया में कमाई हुई इनकम इनकम और आउट ऑफ इंडिया में कमाई हुई क्या ये हमारे लिए इनकम टैक्स इंडिया का पार्ट बनेगी या नहीं वो पहले इस चैप्टर से समझ लेते हैं राइट रेसिडेंशियल स्टेटस यहां से कंसेप्ट शुरू होता है अच्छा जी सर अमेंडमेंट है हां सर अमेंडमेंट है रेसिडेंशियल स्टेटस को अगर हम आकर के देखें तो आप मुझे सबसे पहले सवाल का जवाब दीजिए आपके कुछ कंसेप्शन मुझे सुनने हैं क्या सिटीजन और रेसिडेंट दोनों एक ही चीज होती है या अलग अलग चीज होती है क्या सिटीजन और रेसिडेंट दोनों एक ही चीज होती है या अलग अलग चीज होती है सोचो और सोच के बताओ क्या सिटीजन और रेसिडेंट दोनों एक ही चीज होती है या अलग अलग चीज होती है मैं तो कहता हूं एक ही होती है आप कह रहे हैं अलग अलग है सर अलग अलग है सर सर क्या अलग है देखिए और इनकम टैक्स की एक समझदारी बताता हूं मतलब मैं इस पॉइंट पे फैन हूं इनकम टैक्स का सिटीजन रेसिडेंट बराबर हम कभी भी किसी व्यक्ति को सिटीजन कब कहते हैं जब वो पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर में हुआ होगा तो उसको वहां की मिलती है या तो वो हुआ होगा या उसने अप्लाई किया होगा फॉर सिटीजनशिप या तो वो बॉर्न हुआ होगा या तो वो अप्लाई हुआ होगा आप और मैं हम इंडियन सिटीजन कहलाते हैं क्यों कहलाते हैं क्योंकि हम यहीं पे पैदा हुए यस yes, कई लोग आउट ऑफ इंडिया के हैं और यहां पे गवर्नमेंट की प्रोसेस पूरी करके यहां का सिटीजनशिप ले चुके हैं तो हम सिटीजन कहते हैं जो यहां पे बॉर्न हुआ है या यहां पे अप्लाई किया है फॉर द पर्पज ऑफ सिटीजनशिप हम रेसिडेंट कब कहते हैं क्या ये पार्ट लिखना है नहीं लिखना है हम रेसिडेंट कब कहते हैं हम किसी भी व्यक्ति को रेसिडेंट कहते हैं जब वो स्टे करता है फॉर सर्टन नंबर ऑफ डेज जब वो स्टे करता है सर्टन नंबर ऑफ डेज वो कहां का है इससे हमें कोई लेन देन नहीं है वो कहां का है इससे हमें कोई लेन देन नहीं है। वो अगर यहां आकर के कुछ दिन बिताता है आओ कभी गुजरात में वो आता है यहां पे कुछ दिन बिताता है तो हम उसको रेसिडेंट कह देते हैं हम उसको क्या कह देते हैं रेसिडेंट कह देते हैं यानी रेसिडेंट होने के लिए आपको सिटीजन होना जरूरी नहीं है रेसिडेंट होने के लिए आपको सिटीजन होना जरूरी नहीं है आप सिटीजन है तो बाय डिफॉल्ट में आप रेसिडेंट हो सकते हैं पर रेसिडेंट है इसका मतलब जरूरी नहीं आप सिटीजन भी होंगे अगर कोई व्यक्ति सिटीजन है तो उसको सारे राइट्स प्रोवाइड होते हैं जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट्स से है वो सारे राइट्स उसको अवेलेबल होते हैं अ सिटीजन रेसिडेंशियल स्टेटस को ये जरूरी नहीं है रेसिडेंशियल स्टेटस वाले के लिए ये जरूरी नहीं है यस अब इनकम टैक्स में सिटीजन वर्ड यूज ना करके रेसिडेंट वर्ड यूज किया गया पूछो क्यू पूछो ना क्यू इनकम टैक्स में सिटीजन वर्ड यूज नहीं किया रेसिडेंट वर्ड यूज किया पूछो क्यों हाँ, अब तुम पूछ रहे हो इसलिए मैं बता देता हूं अब तुम पूछ रहे हो इसके लिए मैं बता देता हूं ठीक है वो इसलिए किया गया क्योंकि अगर हम सिटीजन वर्ड यूज कर देते इनकम टैक्स में अगर हम इनकम टैक्स में सिटीजन वर्ड यूज कर लेते तो हम उसी पे टैक्स लगा पाते हु इज बॉर्न इन इंडिया और हैज अप्लाइड इन इंडिया अगर हम इनकम टैक्स में सिटीजन वर्ड यूज कर लेते तो हम उसी के ऊपर टैक्स लगा पाते जो इंडिया में या तो पैदा हुआ होगा या इंडिया की सिटीजनशिप अप्लाई किया होगा अब ऐसे केसेस के अंदर में ऐसे केसेस के अंदर में रीबॉक एप्पल फेसबुक उष्ट सफरचंद उष्ट सफरचंद एप्पल फेसबुक और ऐसी अन्य कंपनी इंडिया में आती ऐसा देश है मेरा यहां से पैसे कमा के लेके जाती और यहां के मार्केट को तो अफेक्ट करती उल्टा टैक्स भी नहीं देती अगर हम सिटीजन वर्ड यूज कर लेते तो हम सिर्फ उससे टैक्स कलेक्ट कर पाते जिससे जिससे क्या होता बेटा हम बॉन या अप्लाई करने वाले को ही क्या कर पाते टैक्स कर पाते लेकिन इंडिया लेकिन इंडिया में हमने रेसिडेंट वर्ड को यूज कर लिया तो इसका मतलब हम बाय डिफॉल्ट में सिटीजन को तो कवर कर ही गए हम उनको भी कवर कर गए जो यहां आके कुछ दिन रहे और यहां से इनकम कमा के लेके गए हम कुछ दिन रहे और वो यहां से इनकम कमा करके लेके गए यस yes, मतलब इनकम टैक्स ने बड़ी समझदारी दिखाई उसने सिर्फ सिटीजन वर्ड को कवर ही नहीं किया क्योंकि सिटीजन वर्ड को अगर हम कवर कर लेते तो हम सिर्फ उनको हम सिर्फ उनको क्या कर पाते टैक्स uh, कर पाते जो यहां पे बॉर्न हुए हैं या जिनने अप्लाई किया है रेसिडेंट्स को हम नहीं कर पाते गेटिंग इट और नॉट रेसिडेंट्स को हम नहीं कर पाते तो इस बात का ध्यान रखिएगा सो so, इसलिए इनकम टैक्स ने सिटीजनशिप वर्ड को यूज ना करते हुए रेसिडेंशियल स्टेटस वर्ड को यूज कर लिया अब एक और सवाल क्या रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल निकाला जाता है आंसर इज यस हर साल देखना होगा यह ऐसा नहीं है कि एक बार विजय रेसिडेंट हो गया तो हर बार के लिए रेसिडेंट हो गया ना मुन्ना ना हर बार के लिए वो अलग होगा यस yes, तो हर साल हमें चेक करना पड़ेगा कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है क्या रेसिडेंशियल स्टेटस पर्सन टू पर्सन डिफर करता है क्या रेसिडेंशियल स्टेटस पर्सन टू पर्सन डिफर करता है आंसर इज यस रेसिडेंशियल स्टेटस पर्सन टू पर्सन ईयर टू ईयर डिफर करता है पर्सन टू पर्सन ईयर टू ईयर डिफर करता है सर क्या ऐसा हो सकता है विजय सर रेसिडेंट है इस साल और अगले साल नॉन रेसिडेंट हो जाए बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है क्योंकि मैंने कहा रेसिडेंशियल स्टेटस नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड करता है तो यह बिल्कुल हो सकता है कि आप इस साल रेसिडेंट हो अगले साल रेसिडेंट ही ना हो बिल्कुल हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा जी सर सर मेरे को एक बात बताइए एक व्यक्ति क्या एक टाइम पे मल्टीपल जगह रेसिडेंट हो सकता है अब हम सिटीजन वर्ड को यूज नहीं करेंगे अब हम रेसिडेंट वर्ड को यूज करेंगे आप सभी से एक सवाल एक व्यक्ति एक टाइम पे क्या मल्टीपल जगहों पे रेसिडेंट हो सकता है जैसे मैं इंडिया में भी रेसिडेंट हो गया दुबई में भी रेसिडेंट हो गया पाकिस्तान में भी हो गया बांग्लादेश में भी हो गया मैं चार जगह रेसिडेंट हो सकता हो गया बच्चे कह रहे सर नो ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता बच्चे कह रहे हैं अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सपोज इंडिया में लिखा है आप वन डेज भी इंडिया में रह जाते हैं, तो रेसिडेंट हो जाते हैं पाकिस्तान में लिखा है देखो हमारे यहां कोई आता नहीं तीस दिन भी रह लो तो हम रेसिडेंट मान लेंगे दुबई में लिखा है हम साठ दिन रेसिडेंट रहो हम रेसिडेंट मान लेंगे बंदा 183 डेज इंडिया में रह गया 61 डेज पाकिस्तान में रह गया और दुबई में रह गया लेट्स से मोर देन 60 डेज अब मुझे बताओ रेसिडेंट नहीं हुए मैं तो इंडिया का भी रेसिडेंट हो गया मैं पाकिस्तान का भी हो गया और मैं दुबई का भी हो गया वहां के लॉ में तो ये लिखा है ना कि कोई तीस दिन भी रहेगा तो हम रेसिडेंट मान लेंगे दुबई में लिखा है कोई सात दिन रहेगा तो भी रह लेंगे तो वन एटी थ्री डेज फोर्टी वन डेज सिक्सटी प्लस डेज लो में तीन जगह रेसिडेंट हो गया सो आंसर आपका ये नहीं आना चाहिए कि क्या एक टाइम पे हम मल्टीपल कंट्री में रेसिडेंट रह सकते हैं आंसर इज येस सिटीजनशिप डिफिकल्ट है रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिए आप कपल ऑफ कंट्री में सिटीजन एक टाइम पे नहीं हो सकते या कुछ कंट्रीज इसको अलाउ करती है तो कुछ जगह पे आप हो भी सकते हो लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस आप एक टाइम पे कितनी भी कंट्री का हो सकते हो डिपेंडिंग अपॉन वहां के लॉ में क्या लिखा है डिपेंडिंग अपॉन वहां के लॉ में क्या लिखा है यस आइए रीड करते टोटल इनकम ऑफ अससी

कंपनी लोकल अथॉरिटी एजेपी सो हर पर्सन के कैटेगरी के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया अलग है रेसिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर प्रीवियस ईयर बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ओनली इट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर बिकॉज इट मे चेंज ईयर टू ईयर ये बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा क्या रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल अलग अलग हो सकता है बिल्कुल हो सकता है तो ये ईयर टू ईयर चेंज भी हो सकता है और ये हर साल चेक किया जाता है पर्सन कैन बी रेसिडेंट इन मोर देन वन कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक ही व्यक्ति एक ही पर्टिकुलर जगह के ऊपर एक ही टाइम पे कपल ऑफ कंट्रीज के अंदर में रेसिडेंट हो सकता है ये वहां के इनकम टैक्स लॉ पर डिपेंड करेगा कि वहां का इनकम टैक्स लॉ रेसिडेंशियल स्टेटस क्या दे रहा है सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस आर अ डिफरेंट कंसेजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस आर टू डिफरेंट कंसेप्ट सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस आर टू डिफरेंट कंसेप्ट याद रखिएगा राइट right? ये भी बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा ये भी बड़ा होकर क्या बनेगा बेटा एमसीक्यू बनेगा यस देखो यहां पे कई बच्चे वापस से हो रहे मैंने आपसे कहा आपका चैप्टर खत्म हो गया क्या मैं तीन लोगों से पूछना चाहूंगा पहली बात तो बेटा टफ गेमर आप दसवीं में हैं कृपया अब आकर के यहां पे आप प्लीज ये काम मत करें ये अब तक सबको समझ में आ गया आप स्पैमर हो तो जिसने भी आपको पैसे दिए होंगे यहां आके ये सब कमेंट करने के लिए मत करो बेटा ठीक है हमने आपको रिकॉग्नाइज कर लिया आपका नाम भी ले लिया दूसरा प्रणव और बाकी सब जितने भी बच्चे हैं आप शायद पहली बार मेरे साथ नहीं जुड़ रहे हैं आप मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं प्लीज डिस्टर्ब करना बंद कर दो एल्स मैं सिर्फ एक काम करूंगा मैं पूरा चार्ट ऑप्शन ही डिसेबल कर दूंगा क्या मतलब रह जाएगा तुम ना मेरे से सवाल पूछ पाओगे ना मैं तुम्हारा कोई जवाब दे पाऊंगा है ना तो ये काम मत करो मेरे को आप डिस्टर्ब कर रहे हो मैं पूरा का पूरा चैट ही डिसेबल कर दूंगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता फिर आप में से एक भी सवाल नहीं पूछ पाएगा अगर इस तरह से वर्क करना है तो बिल्कुल कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है चलो मेरे बच्चे पेशेंस रखो ना थोड़ा सा अभी तुम मेरे से एक सवाल पूछ रहे हो सर दोनों जगह एक्सीडेंट हो गया तो क्या दोनों जगह टैक्स देना पड़ेगा क्या मैंने चैप्टर खत्म कर लिया मैं चैप्टर के फर्स्ट पेज पे हूं तीस पेज का है मेरे भाई रुक तो जा बेसिक्स में जैसे तेरे को जीरो से उठा यहां पर भी जीरो से उठाऊंगा जरा सबर रख और बिल्कुल फाल, फालतू के चैट मत करना बिल्कुल फालतू के चैट मत करना इसके आगे मैं बता रहा हूं आपसे जितना सवाल पूछा जाए उतना करो बाकी कोई भी चैट मत करो सिंपल सी बात है प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट आ जाओ मालिक रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ईयर टू ईयर

लेकिन इसके पीछे बड़ी प्रोसेस होती है इसके पीछे बड़ी प्रोसेस यह होती है कि जब भी हमारा क्लाइंट आता है प्रैक्टिस में चैप्टर कैसे यूज किया जाता है जरा समझिए सर होता यह है कि जब सबसे पहले क्लाइंट क्लाइंट आता है हम से सारी इंफॉर्मेशन पूछते हैं सर आउट ऑफ इंडिया गए थे क्या कितने दिनों के लिए गए थे किस काम से गए थे आपकी टिकट्स की डिटेल दीजिए आपके पासपोर्ट की डिटेल दीजिए अगर आपका क्लाइंट आपको पता है बहुत फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ इंडिया जाता है तब तो यह काम होता है पता है आदमी का काम धंधा ही इधर ही है तो वो जाएगा भी तो मैक्सिमम कितने दिन के लिए जाएगा पंद्रह दिन एक महीना फिर हम दिमाग भी नहीं लगाते पर आपको पता है कि आपका क्लाइंट बहुत फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ इंडिया जाता है तो फिर उसके पासपोर्ट की डिटेल मंगाई जाती है उसकी टूर डिटेल मंगाई जाती है और चेक किया जाता है वो कितने दिन इंडिया में था और कितने दिन इंडिया में नहीं था और उस हिसाब से हम रिटर्न ऑफ इनकम में लिखते हैं इस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है राइट right? अब अगर आपने रेसिडेंट लिख दिया लेकिन डिपार्टमेंट को शक हुआ कि आप रेसिडेंट थे ही नहीं क्योंकि देखिए द मूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक कैसे होगा इस बारे में भी आपको बता दू द मूवमेंट आप इंटरनेशनल टिकट बुक करते हैं तो आपको आपके पैन कार्ड की डिटेल देनी पड़ती है ये पैन कार्ड की डिटेल्स ऑटोमेटिकली कहां पहुंच जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका आप पूरा ब्योरा रहता है कि आप कितने दिन इंडिया में थे और कितने दिन इंडिया में नहीं थे तो कोई भी व्यक्ति का जब यू नो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कच्चा अच्छा चिट्टा खोता है तो उनको सब दिख जाता है आप कितने दिन इंडिया में थे कितने दिन नहीं और आपने अगर रेसिडेंट होते हुए नॉन रेसिडेंट दिखाया आपने आपको तो इनकम टैक्स फिर आपकी क्या ओपन कर देगा असेसमेंट ओपन कर देगा

तो अगर डिपार्टमेंट को शक है कि ये रेसिडेंट नहीं है तो ये डिपार्टमेंट प्रूव करके देगा ये रेसिडेंट नहीं था क्योंकि ये इतने इतने दिन यहां से बाहर था बाकी सारे केसेस में इंडिविजुअल और कंपनीज को छोड़ के बाकी हर के केस में डिपार्टमेंट बाय डिफॉल्ट में मानता है कि आप रेसिडेंट है आप नॉन रेसिडेंट है ये आपको प्रूव करके देना है कम ऑन कम अगेन इंडिविजुअल और कंपनी के केस में प्रूव करना कि आप नॉन रेसिडेंट है यह डिपार्टमेंट के ऊपर है डिपार्टमेंट को प्रूव करना है आप कुछ भी स्टेटस डाल दो बाकी सारे केस में डिपार्टमेंट मान के चलता है आप रेसिडेंट हो अनलेस एंड अंटिल आप प्रूव कर दो कि हां आप नॉन रेसिडेंट हो रेसिडेंशियल स्टेटस को पढ़ने का एक यूनिक तरीका है रेसिडेंशियल स्टेटस को पढ़ने का एक यूनिक तरीका है इधर जरा समझ के देखिएगा अगर आपको याद हो आपको लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर वन बेसिक्स के अंदर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था सेक्शन नंबर वन वन से गए हम फोर पे फोर से गए टू पे टू से गए थ्री पे इन शॉर्ट वन टू फोर आपका चैप्टर नंबर वन में कवर था चैप्टर नंबर टू रेसिडेंशियल स्टेटस में आपका सेक्शन नंबर फाइव से लेकर के नाइन तक कवर है सेक्शन फाइव से लेकर के नाइन तक कवर है सेक्शन फाइव से लेकर के नाइन तक के कवर है राइट इधर आइए लेकिन इसको पढ़ना कैसे है पहले सिक्स पढ़िए सिक्स से जाइए फाइव पे फाइव पे जाइए सेवन पे सेवन से जाइए एट पे एट से जाइए नाइन पे रेसिडेंशियल स्टेटस को अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा रजिस्टर में जाओ रजिस्टर में जाकर के डालो रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंशियल स्टेटस बराबर है अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं सर आप सिर्फ एक काम करो आप यहां पे आकर के जो भी आपका रजिस्टर है रजिस्टर का पहला पेज इंडेक्स बना दो सीरियल नंबर डालो पर्टिकुलर डालो और रजिस्टर को यहां से रजिस्टर का पेज नंबर डाल दो और यहां से आप जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ऐसे रजिस्टर को पेज नंबर डाल दो जो भी हम इंपॉर्टेंट हेडिंग लिखेंगे यहां पे आकर के आपको हेडिंग लिखना और पेज नंबर लिखना इससे होगा क्या आपको खुद को समझ में आ जाएगा आपके रजिस्टर का कौन सा पॉइंट किधर कवर है तो आप उसको यहां पे लिख पाओगे बड़े आराम से बड़ी शांति से क्लियर है अब नेक्स्ट पेज पे जाइए यहां लिखिए सीक्वेंस टू लर्न सेक्शन नंबर सिक्स छह से पांच से सात सात से आठ आठ से नौ यस दर्शन सर की जय हो चाय पानी की सोए हो दर्शन सर कभी मिलो कभी चाय मिलाओ मौसम मस्ताना आइटम नस्ताना, कभी तो मिलो जीवन में एक शहर में तीन किलोमीटर पे रहकर नहीं मिल रहे कितनी याद आ रही मेरे को आपकी कोने में बैठ के रो रहा मैं मालूम है इतना मिस कर रहा हूं मैं आपको यस तो दिस इज द सीक्वेंस टू लर्न सेक्शन नंबर छह पांच सात आठ नौ यस इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे अब सेक्शन नंबर सिक्स सबसे पहले बताता है रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना कैसे है रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना कैसे है बड़ा सिंपल है सेक्शन नंबर सिक्स रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई एम पी वेरी 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 इंपॉर्टेंट रेस्टू ट्वेंटी एट मतलब ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट रेस्ट टू ट्वेंटी एट रेसिडेंशियल स्टेटस चार अलग अलग सबसेक्शन के अंदर में कवर है एवरीबॉडी कौन चार अलग अलग सबसेक्शन के अंदर में कवर है कौन कौन सा सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर याद रखने का तरीका बिल्कुल आसान एक आदमी इंडिविजुअल होता है सिक्स वन इंडिविजुअल दो लोग मिलकर घर बनाते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंपनीज दर्शन सर कहते हैं तीन प्रकार की होती है प्राइवेट पब्लिक ओपीसी तो तीन प्रकार की कंपनीज और बाकी सबको उठा के चारों दिशाओं में फेंक दो अदर्स चार बड़े सिंपल तरीके से सब सेक्शन याद हो सकते हैं एवरीबडी बड़े सिंपल तरीके से सब सेक्शन याद हो सकते हैं सिक्स वन इंडिविजुअल एक आदमी इंडिविजुअल होता है टू दो लोग मिलकर घर बनाते हैं यस फैमिली बनाते हैं दो लोग मिलकर एच कंपनी तीन प्रकार की होती है प्राइवेट पब्लिक ओपीसी तीन प्रकार की कंपनी बाकी सबको उठा के चारों दिशाओं में फेंक देने का बाकी सबको उठा के चारों दिशाओं में फेंक देने का से यस आइए एक एक करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल सभी लोग रजिस्टर में आओ रजिस्टर में आइए राइट डाउन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन सिक्स सबसेक्शन वन इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नहीं है कैसे निकाला जाए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट सभी लोग बड़े ध्यान से बड़े आराम से सुनेंगे जिसने वीडियो अगर दो तो तीन की स्पीड में रखा होगा 1.8 की स्पीड में रखा होगा नॉर्मल स्पीड पे लेके आ जाना कंसेप्ट मिस नहीं होना चाहिए अ पर्सन कैन ईदर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट एक व्यक्ति रेसिडेंट हो सकता है या नॉन रेसिडेंट हो सकता है दो पार्ट में डिवाइड होगा अ पर्सन कैन बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट अ पर्सन कैन बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट एक व्यक्ति के दो ही कैटेगरी हो सकते हैं या तो वो रेसिडेंट होगा या तो वो नॉन रेसिडेंट होगा अब रेसिडेंट कब होगा इफ ही सेटिस्फाई any one of the basic condition if he satisfy any one of the basic condition he stays in india for 182 days or more in previous year or सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर्स दोनों के बीच में और लिखा है अ पर्सन कैन इधर भी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट या तो वो रेसिडेंट होगा या तो वो नॉन रेसिडेंट होगा अगर रेसिडेंट उसे होना है उसे वन कैसा बेटा वन ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी वन इसलिए क्योंकि दोनों के बीच में और लिखा है वन ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी क्योंकि दोनों के बीच में और लिखा है येस yes, लिखो जल्दी से हो गया मेरे बच्चे अब आ जाओ अब बड़े आराम से शांति से एक एक वर्ड को तोड़ेंगे ठीक है इसके नीचे का जितना पेज है ब्लैंक छोड़ देना नेक्स्ट पेज ब्लैंक छोड़ देना उसके आगे नोट्स लिखना इसके नीचे का जितना पेज है ब्लैंक नेक्स्ट पेज ब्लैंक और उसके आगे नोट्स लिखना नोट्स ठीक है बड़े डीप में जाएंगे उन्होंने कहा दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लो हम रेसिडेंट मान लेंगे दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लो हम रेसिडेंट मान लेंगे दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लो हम रेसिडेंट मान लेंगे मैंने दोनों सेटिस्फाई कर लिया रेसिडेंट मैंने एक सेटिस्फाई कर लिया रेसिडेंट अब आपसे सवाल मैंने दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं किया आगे बोलो मैंने दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं किया आगे बोलो क्या दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं क्या क्या कर लोगे ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है नॉन रेसिडेंट सो so, इधर आओ नॉन रेसिडेंट के नीचे लिखो इफ ही फेल टू सेटिस्फाई एनी कंडीशन ऑफ सेक्शन सिक्स वन अगर सिक्स वन की एक भी कंडीशन आपने सेटिसफाई नहीं करी आप बाय डिफॉल्ट में नॉन रेसिडेंट हो गए आप बाय डिफॉल्ट में कौन हो गए नॉन रेसिडेंट हो गए लॉ क्लियर है अब दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करिए आप रेसिडेंट है पॉइंट नंबर वन ही स्टेज इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर डॉट वन एटी टू डेज इंडिया में रहा रेसिडेंट वन एटी टू डेज और मोर लिखा है मतलब डॉट रहता कुछ लोगों को डॉट पसंद तो डॉट वन एटी टू डेज इंडिया में रहा रेसिडेंट खत्म हो गई काम वन एटी टू या उससे ज्यादा इंडिया में रहा रेसिडेंट इंडिया ये वर्ड हम चैप्टर नंबर वन में ही पढ़ चुके हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू टू हंड्रेड नॉटिकल माइल सब सॉइल एयर स्पेस अबाउ सी बेड सब कवर सो so, अगर आप इंडिया में स्टे करते हैं 182 डेज या उससे ज्यादा अब ये 182 डेज ही क्यों ऐसा कंडीशन फेमा के कारण आया है सर किसकी मां फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आरबीआई गवर्नमेंट ने रखा हुआ प्रोविजन है ये राइट सो रहता किसी को डॉट परसेंट डॉट वन डेज रेसिडेंट क्लियर सो वन डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर आपके लिए प्रीवियस ईयर क्या है ट्वेंटी वन आपके लिए प्रीवियस ईयर क्या है ट्वेंटी टू याद है ना तुम्हें प्रीवियस ईयर के अंदर में अगर आप डेज़ या तो yes. so, चलिए आई हैं आई हैं पता नहीं कोई तो जोक आया होगा आपको एग्जाम्पल लिखना मत जितना बोलूंगा उतना ही लिखना सपोज मैं कुछ दिन मुंबई में रहा कुछ दिन दिल्ली में रहा कुछ दिन कोलाखाटा में रहा कुछ दिन अपने इधर पुणे में रहा कुछ दिन चेन्नई ले में रहा अब मुझे बताइए ये सब मिला के टोटल 190 डेज हो रहे हैं। एम आई रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट एम आई रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट एम आई रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कुछ दिन मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई पुणे ऐसा हर जगह रहा मैं इन टोटल वन नाइंटी डेज एम आई रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ऑब्वियसली रेसिडेंट सो क्या ये वन एटी टू डेज एक जगह रहना जरूरी नहीं है क्या ये वन एटी टू डेज एक जगह रहना जरूरी नहीं है बिल्कुल जरूरी नहीं है कंटिन्यू स्टे वन एटी टू डेज का होना जरूरी नहीं है आई यू गेटिंग इट सो फर्स्ट नोट कंटिन्यू स्टे स्टे एट वन प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट कंटिन्यू स्टे एट वन प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट इन टोटल आपको वन एटी टू डेज लेकर के आने राइट थ्री सिक्सटी फाइव में से वन एटी टू डेज लेकर आने या थ्री सिक्स इन केस ऑफ लीपियर में से वन एटी टू लेकर के आने हैं तो कंटिन्यू स्टे एट वन प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट अच्छा कन, अब जरा मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए तो बात उन दिनों की है जब यह अपना भाई अमीर यह अमीर भाई अपना बहुत अमीर है ठीक है अमीर क्या हुआ अप्रैल और मे में भाई मेरा इंडिया में था जून से लेकर के अगस्त तक के मेरा भाई बैंकॉक चले गया मेडिटेशन करने के लिए फिर सितंबर में फिर से वो इंडिया में था सितंबर से लेकर जनवरी तक के फिर से वो इंडिया में था फरवरी में पांच दिन के लिए वो कहां चले गया लास वेगास चले गया मेडिटेशन करने के लिए बैलेंस पीरियड ऑफ अराउंड ट्वेंटी थ्री डेज वो अगेन इंडिया में था मार्च में वो फिर इंडिया में था अब आप मुझे बताइए रेसिडेंट है या नहीं है रेसिडेंट है या नहीं है अप्रैल में सितंबर टू जनवरी फरवरी एंड मार्च इंडिया में था कैसा भी कैलकुलेट कर लिया मोर देन वन एटी टू डेज हो जाता क्या हम उसको रेसिडेंट मान सकते हैं क्या हम हमारे भाई अमीर को रेसिडेंट मान सकते हैं हाँ या ना हां या ना डेफिनेटली मान सकते हैं डेफिनेटली मान सकते हैं हमें वन एटी टू डेज इंडिया में चाहिए बैलेंस पीरियड वो किधर जाके अपनी ऐश कर रहा है वो उसके ऊपर है आप बात समझो हमें वन एटी टू डेज वो इंडिया में चाहिए बाकी वो कौन सी कंट्री में किधर जाके अपनी क्या ऐश कर रहा है इससे हमें कोई लेन देन नहीं, नहीं है आप बात समझ रहे हो सो so, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कंटिन्यूस स्टे इन वन कंट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस स्टे इन वन प्लेस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस स्टे इन वन कंट्री इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट डन चलिए थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट अब जरा सोच के देखिए जैसे अपनी प्रांजल ठीक है प्रांजल एक एयर होस्टेस थी प्लेन दिख रहा है आपको प्रांजल एक एयर होस्टेस थी इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर में रहती थी रोज दुबई से शाम में इंडिया आती रात भर इंडिया में रहती सुबेरे की फ्लाइट पकड़ के वापस निकल जाती ठीक है ध्यान से सुनना प्रांजल रोज रात कहां आती इंडिया आती रात इंडिया में गुजारती फ्लाइट के बाद रेस्टिंग पीरियड जो होता है वो रात इंडिया में गुजारते दूसरे दिन मॉर्निंग के फ्लाइट से वापस दुबई पकड़ के निकल जाते और ऐसा उनका डेली का काम ऐसा उनका डेली का काम अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं प्रांजल जी रोज रात इंडिया के अंदर में है प्रांजल जी रोज रात इंडिया के अंदर में है अब वो इंडिया के अंदर में है तो क्या हम 182 एटी टू डेज काउंट कर सकते हैं क्या आई I मीन mean, आप सोच के देखिए पायलट्स हो गए एयर हॉस्टर्स हो गए ऐसे कई लोग केबिन क्रू हो गया ऐसे कई लोग सिर्फ कुछ घंटों के लिए इंडिया में आते हैं कुछ घंटों के लिए इंडिया में आते हैं राइट right? कुछ घंटों के लिए इंडिया में आते हैं हां तो प्रांजल प्रांजल देखो प्रांजल कह रहा है सर मैं लड़का हूं अबे एयर लड़के भी होते हैं गवार इंसान मैं लड़की की बात ही नहीं कर रहा हूं एयर लड़के भी होते हैं So, अब मुझे बताइए लोग जो कुछ घंटों के लिए आते हैं क्या इन्हें रेसिडेंट माना जा सकता है हा या ना मतलब जब आप इनके नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे ये जो आठ दस घंटे के लिए बैठे हैं ये जो आठ दस घंटे के लिए बैठे हैं ये आठ दस घंटे को हम एक दिन मान ले या ट्वेंटी फोर आवर्स टू बी ट्रीटेड एज वन डे या 24 फोर आवर्स टू बी ट्रीटेड एज वन डे बोलो जल्दी से या 24 फोर आवर टू बी ट्रीटेड एज वन डे ऑब्वियसली हम 182 एटी टू डेज को आवरली बेसिस पे काउंट कर सकते हैं अगर कोई आवरली बेसिस पे आ रहा होगा तो अदरवाइज द कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल 24 फोर आवर्स टू बी ट्रीटेड एज वन डे ट्वेंटी फोर आवर्स टू बी ट्रीटेड एज वन डे सो नो तो ऐसे केस में मान लीजिए अगर वो एट आवर्स के लिए इंडिया में है तो एटलीस्ट जब वो तीन दिन रहेंगे तो उनको एक दिन काउंट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द पर्पज ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस तीन दिन का एक दिन काउंट करेंगे क्योंकि वो आवरली बेसिस पे है तो अगर कोई व्यक्ति इंडिया अवरली बेसिस पे आता है तो उसका कैलकुलेशन जो होता है वो आवरली बेसिस पे होता है एंड इन दैट पर्टिकुलर केस 24 फोर आवर्स इज इक्वल्स टू वन डे और ठीक इसी तरीके से फिर हमें डेज का कैलकुलेशन करना होगा आई यू गेटिंग इट सो कंटिन्यू स्टे एट वन प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट कंटिन्यू स्टे इन वन कंट्री इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट ट्वेंटी फोर आवर ट्रीटेड एज वन डे तो वापस से इधर आइए ही स्टेज इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर अगर वो 182 एटी टू डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर रहता है तो हम उसको क्या मान सकते हैं रेसिडेंट मान सकते हैं ये क्लियर हुआ अच्छा जी सर या तो फिर अगर वो 182 एटी टू डेज इंडिया में नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं दूसरे क्राइटेरिया पे हो या तो फिर एटलीस्ट सिक्सटी डेज उनसे होना चाहिए प्रीवियस ईयर में आपका प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में त्वें एटलीस्ट सिक्सटी डेज रुक जाओ एंड सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर या प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं इसके लिए प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर या प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं दोनों का मीनिंग सेम है राइट right? अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को देखें तो प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर वर्ड यह ज्यादा अप्रोप्रिएट है पर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर वर्ड को भी कॉमन पार्लेंस में यूज किया जाता है नाउ स्टेज इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज वन एटी टू डेज इंडिया में नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है और एटलीस्ट सिक्सटी डेज वो प्रीवियस ईयर में रह जाए और प्रीवियस ईयर के पीछे वाले जो ईयर होते हैं उसको हम प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयरस कहते हैं यहां पर लिखिए नोट फोर इधर आइए इधर आइए नोट फोर प्रीवियस ईयर एंड प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर Previous year क्या हुआ? आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर हुआ ट्वेंटी टू कॉमन पूरे पूरे इनकम टैक्स के लिए आप लोगों के के लिए ये हो गया आपका पीछे वाले जितने भी ईयर होते हैं इसे हम कहेंगे प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर या प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर बात समझ में आई प्रीवियस ईयर के पीछे जितने भी ईयर थे वो सारे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर हो गए अब जरा सोच के बताइएगा इसी एग्जाम्पल को पकड़ते हैं जरा सोच के बताइएगा नंबर ऑफ डेज के बारे में बात कर लेते हैं बताइए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा सिचुएशन वन बताइए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा तुरंत मेरे साथ जाना सबसे पहले ये देखो प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन इंडिया में है क्या वन एटी टू डेज है आंसर इज नो कट दूसरे क्राइटेरिया पे दूसरा क्राइटेरिया बोलता है एटलीस्ट सिक्सटी डेज होने चाहिए इंडिया में प्रीवियस ईयर में क्या वो एटलीस्ट सिक्सटी डेज भी इंडिया में है क्या वो एटलीस्ट सिक्सटी डेज भी इंडिया में है हां या ना ऑब्वियस सी बात है कौन हो गए भाई साहब नॉन रेसिडेंट हो गए ना तो वो 182 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे ना तो वो 60 डेज का क्राइटेरिया पूरा कर पा रहे दोनों भी नहीं है तो स्ट्रेट अवे कौन पहुंच गए नॉन रेसिडेंट अरे एवरीबडी आई यू गेटिंग इट सिचुएशन नंबर टू आप सभी के सामने टू हंड्रेड 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 अब बताओ उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा अब बताओ उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा कम ऑन एवरी वन बताओ उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा बताओ जल्दी से उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा सब कह रहे हैं रेसिडेंट लेट मी चेक क्या वन एटी टू डेज का क्राइटेरिया पूरा हो रहा नहीं तो हम दूसरे क्राइटेरिया में जाएंगे सिक्सटी डेज वाले एटलीस्ट डेज इन प्रीवियस ईयर यस डेज मिनिमम वो प्रीवियस ईयर में था एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रेसिडिंग ईयर पर यहां तो हंड्रेड हंड्रेड ही है अब यहां पे एक सोचने वाली बात क्या थ्री सिक्सटी फाइव हर साल होना या चारों साल मिला के थ्री सिक्सटी फाइव होना एवरी वन अगर आप कॉमन प्लेन रीडिंग भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चारों साल मिला के थ्री सिक्सटी फाइव होना चाहिए मिनिमम में अब यहां तो पीछे के चार साल मिला करके मोर देन थ्री सिक्सटी फाइव हो गए क्या हो गया वो रेसिडेंट क्या हो गया वो रेसिडेंट एवरी वन समझ में ही बात तीसरा क्राइटेरिया आप सभी के लिए सेवेंटी डैश 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 थ्री सिक्सटी फाइव बताओ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट बोलो भाई साहब रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट परफेक्ट जवाब रेसिडेंट 182 एंटी डेज का क्राइटेरिया नहीं हो रहा 60 डेज प्रीवियस ईयर 365 सिक्सटी फाइव एंड फोर प्रीवियस ईयर चारों का मिला के थ्री सिक्सटी फाइव होना यहां पर पहले तीन साल में नहीं भी है पर चौथे साल में थ्री सिक्सटी फाइव हो गया टनटना गेम ओवर आहो रेसिडेंट गेम ओवर यस और नो लास्टम लास्ट क्राइटेरिया लास्टम लास्ट क्राइटेरिया सिक्सटी 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 बोलो भाई एवरीवन। बोलो भाई जल्दी से बोलो मैक्सिमम बच्चा मेरे से कह रहा है सर नॉन रेसिडेंट मान लो तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं मान नहीं लेता हूं सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर का क्राइटेरिया तो पूरा हो रहा है लेकिन क्या यह 365 का क्राइटेरिया पूरा कर पा रहा है नहीं हमें दो नो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है दीज आर नॉट एक्सीडिंग 365 डेज तो ऐसे केस में वो स्ट्रेट अवे कौन बन जाएगा नॉन रेसिडेंट ना पहला क्राइटेरिया पूरा हुआ ना दूसरा क्राइटेरिया पूरा हुआ स्ट्रेट अवे कौन बन जाएगा नॉन रेसिडेंट यस प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कंसेप्ट समझ में आया सिक्सटी एंड थ्री सिक्सटी फाइव का कंसेप्ट समझ में आया अब मैं एक और सवाल आप सभी के ऊपर डाल रहा हूं ध्यान से सुनना एग्जाम्पल नंबर टू मेरा प्रीवियस ईयर हुआ ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू बराबर है यहाँ पे मैं सिक्सटी डेज था फिर सेवेंटीन एटीन में मैं वन ट्वेंटी डेज था फिर फोर्टीन फिफ्टीन में मैं टू हंड्रेड डेज था फिर थर्टीन फोर्टीन में मैं थ्री हंड्रेड डेज था नाइन और टेन में मैं थ्री हंड्रेड डेज़ था बताइए मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा बताइए मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा देखा ना है सोचा ना है आपने डायरेक्ट नॉन रेसिडेंट कह दिया कैसे भाई 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 सिक्सटी डेज इन फोर प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर है ना चार प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर प्रीवियस ईयर के पीछे वाले ईयर्स को प्रीवियस प्रीसिडिंग ईयर्स कहा जाता है या प्रिडिंग प्रीवियस ईयर्स कहा जाता है तो ये तो है ना अब क्या तकलीफ है आपको नहीं अब क्या तकलीफ है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भैया इस आदमी को आपने किस बिना पे जवाब दे दिया बताओ भला क्यू अब मैं आपसे पूछता हूं क्यू अच्छा यहां कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर जो प्रीवियस ईयर होना चाहिए ना वो ऑर्डर में होना चाहिए मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए पर ऐसा कहां लिखा था ऐसा कहां लिखा था इसी के ऊपर एक केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में ए सर ये अपने आप को रेसिडेंट कह रहे हैं सर पर प्रीवियस ईयर मतलब फोर प्रीवियस ईयर होने चाहिए ना आपने ऐसा कहां लिखा फोर कॉन्जिकुटिव प्रीवियस ईयर होने चाहिए लॉ लॉ आपने सिर्फ इतना लिखा फोर प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर पर सर अब ये तो कॉमन सेंस की बात है ना वाह लेमन चूस ले तू क्या कॉमन सेंस कानून में क्या कॉमन सेंस कानून कानून होता है कॉमन सेंस क्या होता है यस yes, अगर कॉमन सेंस के हिसाब से कानून बनता तो किसी को मारना अपराध है ये कॉमन सेंस है उसके लिए लॉ बनाने की जरूरत नहीं है आई हेड ए कॉमन लेमन चूस ले सर देखिए ये गलत है इनकम टैक्स फोर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर बोलता है तो प्रीवियस ईयर मतलब कॉमन सेंस है ना सर ये अब फोर प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर वाह मस्त एक नंबर मस्त एक नंबर सर इसको बोलिए नींबू और लेमन दोनों चूज करके आए इसकी उतरी नहीं है देखिए बात तो सही कह रहा है आपने लॉ क्लियर रखना चाहिए था अगर आप बोल रहे हैं फोर प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर तो वहां पे एक वर्ड ऐड कर देते थे, थे कंटिन्यूस फुकट में आपका क्लाइंट जीतेगा केस क्लाइंट के पास गया और आपको तो पता है जब जब डिपार्टमेंट हारा है तब तब क्या आया है अमेंडमेंट तब तब क्या आया है अमेंडमेंट यस सो ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए क्योंकि क्या सीखने को मिला प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर मींस कॉन्टिन्यूस फोर प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर इन सेक्शन सिक्स वन एक लिपस्टिक लेना लिपस्टिक से हाईलाइट कर लेना यहां प्रीवियस प्रिडिंग ईयर का मतलब कंटिन्यूस फॉर प्रीवियस प्रिडिंग ईयर है यहां पे भी आकर के ऐड कीजिए कंटिन्यूस यस अच्छा कई बच्चे मेरे से सवाल पूछ रहे हैं सर ये लेमन चूसले का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं इसका मतलब होता है कि तुम्हारी उतरी नहीं है लेमन से उतर जाती है ना तो इसका मतलब है तुम्हारी नहीं है तुम्हारी उतर नहीं लेमन चूस लो जरा जाएगी ऐसा समझ में आई बात इसके अलावा आप इसका कोई भी मीनिंग लेते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वट आई सेट नॉट वट यू अंडरस्टूड क्या है आप मेरे को बिगाड़ रहे हो और मेरे को बिगड़ना नहीं है सो ही स्टेज इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 60 days इन प्रीवियस ईयर एंड 365 days in four इन फोर प्रीवियस प्रिडिंग ईयर ये प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर भी कैसे होना चाहिए मालिक कंटिन्यूस फोर प्रीवियस प्रिस ईयर होने चाहिए यस yes? अच्छा जी अरे तुम लोग हाँ सर मेरी क्या गलती भाई तुम कुछ भी समझोगे ये थोड़ी ना तुम एक्चुअली मेरे को बिगाड़ रहे हो कल ही मेरे को पल्लवी बोल रही थी कि तुम यू नो कितने बिगड़ गए हो मैंने कहा यार ये बच्चे ऐसी बैच आइए क्या बोलू मैं डन चलो जी सो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ये दो क्राइटेरिया है डन यहां तक के क्लियर है तो दोनों में से एक सेटिस्फाई हुआ तो आप रेसिडेंट बन जाएंगे नहीं तो आप क्या बन जाएंगे नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे अब आते हैं दूसरे पार्ट पे देर आर देर आर सर्टन एक्सेप्शन टू इट पर खैर इसके पहले आप और एक चार्ट कंप्लीट कीजिए ये जो पार्ट है रेसिडेंट का उसके नीचे आइए उसके नीचे आकर के एक और चार्ट बनाइए आर ओ आर आर एन ओ आर Resident and ordinarily resident, resident, not ordinarily resident. Section six <coughs> he is resident. for 2 out of 10 previous preceding year for any 2 out of 10 previous preceding year and stays in india for 730 days in 7 previous preceding year Days in India for seven twenty nine days. है जी चलिए इस चार्ट को हमने फर्दर बढ़ाया आर ओ आर ओ आर में क्लासीफाई कर दिया और क्लासीफाई करके नीचे कुछ लिख दिया इसको अभी हमें नहीं पढ़ना है एक्सेप्शन टू सेक्शन सिक्स वन वन दैट इज फॉर या इसको सिर्फ सिक्स वन कर दीजिए ज्यादा बेटर रहेगा फॉर सर्टन पर्सन रेसिडेंट मींस Only 182 days, 60 days criteria not applicable. For certain person, resident means only 182 days, 60 days criteria is not applicable. Stay for वन एटी टू डेज और मोर रेसिडेंट एल्स नॉन रेसिडेंट कुछ लोगों के लिए ये जो सेकेंड क्राइटेरिया है सिक्सटी डेज एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज ये अप्लीकेबल ही नहीं है कुछ लोगों के लिए या तो आप वन एटी टू डेज इंडिया में हैं तो रेसिडेंट या तो स्ट्रेट नॉन रेसिडेंट तीन एक्सेप्शन है ऐसे नंबर वन पर्सन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट अगर कोई व्यक्ति इंडिया छोड़ के जा रहा है एंप्लॉयमेंट के लिए किसी भी दूसरे कंट्री में अगर कोई व्यक्ति इंडिया छोड़ के जा रहा है किसी भी दूसरे कंट्री के अंदर में एंप्लॉयमेंट के लिए वन एटी टू डेज इंडिया में है रेसिडेंट एल्स नॉन रेसिडेंट गेम ओवर 182 एटी टू डेज इंडिया में है रेसिडेंट एल्स नॉन रेसिडेंट गेम ओवर यस मतलब तीन लोगों के लिए रेसिडेंट सिंपल मीनिंग है वन एटी टू डेज इनके लिए सिक्सटी डेज का क्राइटेरिया एप्लीकेबल ही नहीं है इनके लिए सिक्सटी डेज का क्राइटेरिया एप्लीकेबल ही नहीं है डन 182 एटी टू डेज इंडिया में है अदरवाइज नॉन रेसिडेंट नोट फाइव नोट पे आओ हम नोट्स लिख रहे हैं नोट नंबर फाइव पर्सन लिव्स इंडिया For a job in China on 6th November 2021, what is his residential status? एक person है जो इंडिया से job के लिए जा रहा है। कितने तारिक को जा रहा है? Sixth November 2021 को बताइए इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है अगर वो 6 नवंबर 2021 को जा रहा है मतलब अप्रैल से लेकर नवंबर तक के तो वो इंडिया में रहा यस yes, यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या मैं ऐसा कह सकता हूं जरा समझना अप्रैल के पूरे तीस दिन वो इंडिया में रहा मे के थर्टी डेज इंडिया में रहा जून के थर्टी जुलाई के थर्टी अगस्त के थर्टी वन सेप्टेंबर के थर्टी जिसको नहीं समझ में आया डेज कैसे है वो अपने बचपन का फॉर्मूला जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तो जुलाई और अगस्त दोनों में थर्टी वन आता है सितंबर अक्टूबर के थर्टी फर्स्ट अब नवंबर के कितने दिन लिया जाए आपके कॉमन सेंस से बताइए ये इतने नंबर ऑफ डेज इंडिया में अगर वो छे नवंबर को निकल रहा है मतलब अप्रैल से नवंबर वो इंडिया में नवंबर के कितने दिन पकड़े जाए पांच या नवंबर के कितने दिन पकड़े जाए पांच या छोड़ नवंबर के कितने दिन पकड़े जाए पांच या छे आप बात समझ रहे हो जब वो निकल रहा है तो अब एक सवाल खड़ा हो जाता है जिस दिन वो आ रहा है या जिस दिन वो जा रहा है इसको क्या कंसिडर किया जाए एंड हियर द आंसर वुड बी सिक्स सर क्यू सिक्स नो The day he comes to India and the day he leaves India both are counted unless calculation is in hours. डे ही कम्स टू इंडिया एंड द डे ही लीवस इंडिया बोथ आर काउंटेड अगर आवर्स का कैलकुलेसन तो फिर ट्वेंटी फोर आवर्स हैदरवाइज हम इतना दिमाग नहीं लगाते अवर्स का कैलकुलेसन नहीं है तो द डे कम्स टू इंडिया एंड द डे लिवस इंडिया बोथ आर काउंटेड कर दिया जाता है तो हम नवंबर को क्या पकड़ेंगे बेटा सिक्स पकड़ेंगे अब टोटल नंबर ऑफ डेज देखो कितने हो रहे हैं थर्टी प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी प्लस थर्टी वन प्लस सिक्स ये टू ट्वेंटी डेज हो रहे हैं यहां पे लिखना होगा सिंस नंबर ऑफ डेज एक्सीड्स 182 ही विल बी रेसिडेंट पॉइंट समझ में आया यानी अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर जा रहा है काय के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए एंप्लॉयमेंट के लिए तो 182 एटी टू डेज रेसिडेंट एल्स नॉन रेसिडेंट 60 डेज का क्राइटेरिया ही नहीं 60 डेज का क्राइटेरिया ही नहीं आई यू गेटिंग इट सर आवर्स का कैलकुलेशन प्रॉब्लम में आता है क्या चालीस साल अस्सी अटेम्प्ट एक बार भी नहीं आया चालीस साल अस्सी अटेम्प्ट एक बार भी नहीं आया ना इंटर में ना फाइनल में क्योंकि उनको पता है ये कैलकुलेशन बियॉन्ड बियॉन्ड यू नो ट्रैकिंग है सो so, समझ में आया अ पर्सन लीव इंडिया फॉर जॉब इन चाइना ऑन सिक्स नवंबर सो वट विल बी रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंडिंग वन एटी टू डे से ज्यादा है कि नहीं इस पर्टिकुलर केस में वन एटी टू डे से ज्यादा है स्ट्रेट अवे क्या बन जाएगा रेसिडेंट सो वापस यहां आइए पर्सन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट दूसरा दूसरा शिप क्रू मेंबर शिप क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन बाउंड शिप शिप क्रू मेंबर्स अब जब शिप क्रू मेंबर्स होते हैं राइट right? ये पानी में होते हैं मैक्सिमम केस में जो शिप्स के ऊपर वर्क करते हैं उन्हें हम शिप क्रू मेंबर्स कहते हैं राइट right? ये 182 डेज इंडिया में है रेसिडेंट अदरवाइज स्ट्रेट नॉन रेसिडेंट तीसरा पीओ पीओ क्या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीओ इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वन एटी टू डेज रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट अब आप ये पूछेंगे कि सर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स असेसी और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया हम इन्हें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं यदि आप आपके पापा या दादाजी ये अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहे जाएंगे ऐसा क्राइटेरिया क्यों रखा गया पहले इसके पीछे की हिस्ट्री समझिए आपको याद है मैंने आपको इनकम टैक्स की पूरी हिस्ट्री बताई थी और कहा था 1947 में हमने विभाजन का दर्द झेला ये क्या मीनिंग था इसका वापस से आते इस लाइन पे हमने विभाजन का दर्द झेला इसका मतलब क्या है कई भारतीय ने सी जब यू you नो know, इंडिया अलग हुआ था हमारे प्यारे दोस्त पाकिस्तान से जब इंडिया अलग हुआ था तो लोगों को ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप इंडिया में रह जाओ या तो आप वहां चले जाओ कुछ पाकिस्तान के लोग इंडिया सिलेक्ट किए अब जब आप मेरे साथ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जाएंगे तब मैं आपको एमडीएच का स्टोरी बताऊंगा एमडीएच का स्टोरी बताऊंगा एमडीएच का फुल फॉर्म पता है एनी वन एमडीएच का फुल फॉर्म पता है एमडीएच का फुल फॉर्म पता है एमडीएच का फुल फॉर्म पता है एनी वन एस एम में मैं ये सब बहुत डिटेल में बताता हूं कि क्या होता था किस तरह से केस स्टडी बनती थी फिर एमडीएच आज इतना ऊपर कैसे पहुंच गया तो जब आप मेरे साथ एस एम पढ़ते रहोगे तब बताऊंगा मसाले वाले हाँ मसाले वाले यस मसाले वालों का फुल फॉर्म है महाशियादी हट्टी यस ये रावलपिंडी पाकिस्तान से चालू हुआ हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जब विभाजन हुआ तो इन्होंने इंडिया सेलेक्ट किया इन्होंने इंडिया सेलेक्ट किया इंडिया में आकर के करोल बाग एंड चांदनी चौक यहां से अपने मसालों का काम शुरू किया इंडिया के अंदर में और फिर आज एम इतना बड़ा ब्रांड बन के उभर गया है जहां पे कई विदेशों में भी वो अवेलेबल है और इंडिया की शान बढ़ा रहा है सो so, हुआ क्या कुछ लोगों ने इंडिया सेलेक्ट किया इनमें से कुछ लोग थे दिलीप कुमार साहब के घर वाले कपूर फैमिली के घर वाले जो पाकिस्तान में थे और इन्होंने इंडिया चूज किया लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज आज भी पाकिस्तान में है यस रिसेंटली आपको बताता हूं इन टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी दिलीप कुमार साहब के जो एंसेस्ट्रल घर है जो पाकिस्तान के अंदर में है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको हेरिटेज बनाने के लिए इन्हें अमाउंट भी ऑफर करी कि आप एक अमाउंट ले लीजिए और इसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दीजिए इन्होंने मना कर दिया तो कुछ लोगों ने इंडिया चूज किया ठीक उसी तरीके से कई इंडियंस ने पाकिस्तान चूज किया कई इंडियंस ने पाकिस्तान चूज किया राइट तो ऐसे केसेस में अब वो लोग इंडिया से भी इनकम कमाते हैं और इंडिया वाले पाकिस्तान से भी इनकम कमाते हैं कई जो लोग हैं पंजाब के अंदर में गुजरात के अंदर में इनकी आज भी एग्रीकल्चरल लैंड कहां है बेटा दूसरे कंट्री में दैट इज पाकिस्तान के अंदर में वहां से रेंटल इनकम आ रहा है ठीक उसी तरीके से अपोजिट साइड में भी है रेंटल इनकम एंड अदर इनकम जनरेट होता है राइट किसी ने उस टाइम पे कंपनी बना के शेयर लिए हुए होंगे तो शेयर से डिविडेंड इनकम जा रहा है किसी ने लोन दिया हुआ है तो इंटरेस्ट इनकम जा रहा है तो ऐसी कई क्राइटेरिया अब ऐसे केसेस में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रखा जाता है अगर आप या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए होंगे तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाते हैं ऐसे केसेस में अगर आप वन एटी डेज इंडिया में हैं, रेसिडेंट एल्स नॉन रेसिडेंट इज द सिंपल क्राइटेरिया रेसिडेंट एल्स नॉन रेसिडेंट इज इज द सिंपल क्राइटेरिया यस चलिए चलिए सो पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट शिप क्रू मेंबर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये तीन लोगों के लिए रेसिडेंट मतलब 182 एटी टू डेज एल्स नॉन रेसिडेंट गेम ओवर गेटिंग इट वापस से चालू करते हैं वापस से चालू करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल तो क्राइटेरिया में डिवाइड करेंगे या तो वो रेसिडेंट है या तो वो नॉन रेसिडेंट है येस yes, नॉन रेसिडेंट है मतलब हम उसको कह देंगे उसने सिक्स वन की एक भी कंडीशन सेटिसफाई नहीं करी अगर वो रेसिडेंट है ही इन इंडिया फॉर डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री डेज इन फोर प्रीवियस ईयर अगर ये कंडीशन सेटिसफाई करता है रेसिडेंट एल्स नॉन रेसिडेंट ठीक है फिर हमने पढ़ा ये पहले वाले सिचुएशन के तीन एक्सेप्शन मतलब ये तीन लोगों के लिए 60 डेज का क्राइटेरिया एप्लीकेबल ही नहीं 182 डेज या मोर इंडिया में है रेसिडेंट एल्स नॉन रेसिडेंट कौन से तीन लोग पहला पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट शिप क्रू मेंबर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये तीन लोग रेसिडेंट एल्स नॉन रेसिडेंट सर आपके पेरेंट्स या दादा दादी केम ओवर राइट चलिए सो शिप क्रू मेंबर या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वन एटी टू डेज इंडिया में है रेसिडेंट एल्स नॉन रेसिडेंट गेम ओवर डन प्रभु दैट्स इट यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के पार मैं आपको वापस से मिल जाऊंगा ब्रेक के पार मैं आपको वापस से मिल जाऊंगा टेक केयर Everybody back. I jumped at some blue office. एवरी एवरीवन इज बैक लेट एस स्टार्ट आए बेटा आ गए सब लोग चलो अच्छो वेलकम बैक क्या आपने देखा या नहीं देखा मुझे पता नहीं पर मैंने आपसे दो दिन पहले टाटा पावर के बारे में बोला था अगर आपने उसी दिन टाटा पावर ले लिया होता तो आज आप 10% परसेंट के इंक्रीमेंट पे होते जी हाँ टाटा पावर आज 10% परसेंट ऊपर है और 52 वीक्स हाई है यस टाटा पावर आज 52 वीक्स हाई है और दो दिन से 10% परसेंट की ऊंचाई पे है मतलब आपका पैसा जो भी आपने लगाया होता अगर सपोज आपने पांच लाख रुपए लगाए होते तो आज वो पचास हजार से बढ़ गए होते सिर्फ दो दिन में कुछ करे बगैर सिर्फ दो दिन में बढ़ गए होते अब आप बताओ फिर 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 ये फोन नहीं आए तो क्या है आपके पास सिर्फ समझदारी होनी चाहिए और मार्केट का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई अपन कॉमर्स वाले स्टूडेंट है अपने को ये सारा चीजें समझता है ईपीएस समझता है बीटा समझता है अदर चीजें समझती है साइंस वालों को ये सब थोड़ी नहीं समझता है मेरे भाई वो लोग अपने से राय लेते किधर इन्वेस्ट करना अपने को तो बैलेंस समझता है पीएल समझता है अगर आपने ईमानदारी से इन्वेस्ट किया होता तो भाई साहब आप आज स्ट्रेट दस परसेंट ऊपर हो गए होते मतलब मैं एक लाख भी लगाया होता तो दस हजार कमा करके बाहर निकल जाते आप यस सो यू नो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है मतलब आपका पैसा आपका काम कर सकता है तो आपको काम की करने की क्या जरूरत है बहुत बहुत डीप वर्ड बोला मैंने अगर आपका पैसा आपका काम कर सकता है तो आपको काम करने की क्या जरूरत है तो ये जरा सोच के रखिएगा right. चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के साथ साथ अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं सबसे पहले हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस देख लिया रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ साथ एक्सेप्शन पढ़ लिए हम लोगों ने अब इसके आगे बढ़ते हैं इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इनके लिए एक और क्राइटेरिया लेकर क्या है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए एक और क्राइटेरिया लेकर के आए पहले समझते हैं क्या इशू हो रहा था उसके बाद समझते हैं कि क्यों अमेंडमेंट आया ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट टू से आया जरा बात सुनिए कई ऐसे इंडिविजुअल्स दैट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एज वेल एज यू नो इंडियन सिटीजन थे जो रेसिडेंशियल स्टेटस को अवॉइड कर जाते थे अब ये कैसे अवॉइड करते थे बड़े क्राइटेरिया थे अवॉइड करने के ये क्या करते थे इंडिया में 182 डेज और 60 डेज के क्राइटेरिया में रहते ही नहीं थे वो इंडिया आते थे इंडिया से पैसा कमाते थे लेकिन वो इंडिया से मैक्सिमम तौर पर बाहर रहते थे और इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस अवॉइड कर जाते थे जैसे कि इंडिया और दुबई ले देखे पांच से छः घंटे का रास्ता है फ्लाइट से पांच से छः घंटे का रास्ता है फ्लाइट से दैट टू फ्रॉम मुंबई और छह हजार रुपए में टिकट मिल जाती है तो मैक्सिमम लोग क्या कर देते थे इंडिया के बदले वो दुबई रह लेते थे इंडिया का रेसिडेंशियल स्टेटस अवॉइड कर देते थे और इंडिया में इनकम अर्न कर लेते थे मैं बात उनकी कर रहा हूं जो इन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं ना तो वो इंडिया के रेसिडेंट बनते थे ना तो वो किसी दूसरे कंट्री के रेसिडेंट बनते थे जो हाई टैक्स कंट्री थी अब जैसे अगर आप दुबई की बात करो तो दुबई में इनकम टैक्स ही नहीं है तो उनको दुबई में रहना कभी भी पुराता था और इंडिया से इनकम कमाना पुराता था राइट right? मतलब बिजनेस इंडिया में वो रहते थे दुबई के अंदर में वन सच पर्सन जिसको आप लोग सभी जानते हैं वन सच पर्सन जिसको आप लोग सभी जानते हैं एंड अ वेरी फेमस यूट्यूबर आई लव हिम पर्सनली नाम बता सकते हैं आप एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है वो दुबई में रहते हैं बट इंडिया बहुत फ्रीक्वेंट रहते हैं हालांकि उनने टैक्स प्लानिंग के लिए किया है ये जरूरी नहीं समझता मैं बट ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं तो वो क्या करते हैं इस तरीके से रेसिडेंशियल स्टेटस को अवॉइड करते जाते हैं अब इंडिया में है इंडियन सिटीजन है इंडियन सिटीजन है राइट right? इंडिया के जगह कहीं और रहते हैं इंडिया का कर देते। इंडिया का जब वो रेसिडेंशियल स्टेटस अवॉइड कर देते हैं ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने टैक्स प्लानिंग किया होगा इसे टैक्स चोरी नहीं एक बेहतरीन टैक्स प्लानिंग कहा जा सकता है समझदारी और टैक्स प्लानिंग का एक नायाब नमूना राइट right? अब ऐसे केसेस के अंदर में ये लोग इंडिया से इनकम भी कमा रहे थे पर इंडिया में रेसिडेंट भी नहीं हो रहे थे अब क्या किया जाए तो हमारी दीदी आई दीदी ने इस लॉ को परपेचुअली बदल दिया दीदी ने इस लॉ को परपेचुअली बदल दिया दीदी मतलब कौन ये तो आप सभी जानते हैं यस, फाइनेंस मिनिस्टर दीदी आई उन्होंने इस लॉ को परपेचुअली बदल दिया और उन्होंने एक लॉ लेके आया इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडियन सिटीजन एंड पर्सन of indian origin who is outside india and coming to visit in india and income earned Other than foreign sources is up to fifteen lakhs beyond fifteen lakhs. Very important. इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन हु इज आउटसाइड इंडिया वो ऐसे तो आउटसाइड इंडिया है लेकिन इंडिया विजिट करने आते हैं लेकिन इंडिया क्या करने आते हैं विजिट करने आते हैं यस yes, इंडिया क्या करने आते हैं विजिट करने आते हैं बात समझिए है, कई बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज होंगे लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं हो सकता अगर मेरी एक एक शब्द को एक एक लाइन को आप कान के साथ दिमाग लगा करके सुन ले तो अगर कोई इंडियन सिटीजन है इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो ऐसे तो आउटसाइड इंडिया है पर इंडिया में आता है विजिट करने के लिए इंडिया में क्या आता है विजिट करने के लिए 2020 तक के इनके लिए कोई क्लियर कट लॉ नहीं था मतलब 2020 तक हम इनके लिए यही लॉ अपनाते थे लेकिन 2020 में ऐसे लोगों पे शिकंजा कचने के लिए ऐसे लोगों पे शिकंजा कचने के लिए जो जो रेसिडेंशियल स्टेटस अवॉइड कर रहे हैं जो इंडियन सिटीजन है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है लेकिन यहां का टैक्स अवॉइड कर रहे हैं उनके लिए एक क्राइटेरिया ला दिया गया रेसिडेंशियल स्टेटस ला दिया गया जो डिस्प्यूटेड मैटर भी था लेकिन डिस्प्यूट को हटा दिया गया दो में ही क्या किया गया अगर आप इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो ऐसे तो आउटसाइड इंडिया और इंडिया विजिट करने आते हैं क्योंकि क्या होता था आपको पता है जब ये लोग इंडिया में आते थे राइट कुछ ही दिनों के लिए और इंडिया से इनकम कमाते थे तो ये जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके ऊपर नकेल कसने जाता था तो ये कहते थे तो तो मैं तो इंडिया में से विजिट करने आया हूं मैं तो बाहर रहता हूं यस चलिए शुरुआत करते हैं मैं यहां थोड़ी नहीं रहता हूं मैं तो वहां रहता हूं मैं तो यहां से विजिट करने के लिए आया हूं सो so ये लोग कहते थे कि हम सिर्फ विजिट करने आए हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसी वर्ड को पकड़ के लॉ बना दिया इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ जो है तो आउटसाइड इंडिया बट कमिंग टू इंडिया कमिंग टू इंडिया फॉर अजिट विजिट में भी, वो विजिट में भी वो पैसा कमा लेते हैं एंड कमिंग टू इंडिया फॉर अजिट अदर देन फॉरिन सोर्सेज उनकी फॉरन सोर्सेज को छोड़ करके इंडियन सोर्सेज इनकम आई है यह अपू फिफ्टीन लैक या बियॉन्ड फिफ्टीन लैक है तो रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाएगा अगर इनकी इनकम अप टू फिफ्टीन लैक है

कोई प्लीज मुझे फर्क समझाए कोई प्लीज मुझे फर्क समझाए दोनों में क्या फर्क है कोई प्लीज मुझे फर्क समझाए एनीवन वन ये क्राइटेरिया हर एक के लिए है इंक्लूडिंग नॉन रेसिडेंट के लिए भी है ये क्राइटेरिया सिर्फ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए है बराबर है ऊपर वाले क्राइटेरिया में इनकम का कोई लेन देन नहीं यहां इनकम का लेन देन है पहले इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए यह पॉइंट क्लियर नहीं था कि इनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे यहां क्लियर कर दिया तीसरा यह यहां के रेसिडेंट व्यक्ति के लिए भी हो सकता है जो इंडिया में रेसिडेंट है इंडिया में सिटीजन है लेकिन यह उन्हीं के लिए जो ऐसे तो आउटसाइड इंडिया है लेकिन इंडिया में सिर्फ विजिट करने के लिए आए हैं हालांकि यह डिफरेंस आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा यह सिर्फ आपको बताने के लिए है कि यह भले ही वन एटी टू डेज कॉमन है पर यह क्राइटेरिया अलग है यस yes? सो so, अगर कोई इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो ऐसे तो आउटसाइड इंडिया और इंडिया से विजिट करने आता है और इस विजिट में भी उसकी इनकम अप टू पंद्रह लाख रुपए है अप टू पंद्रह लाख रुपए है डॉट पंद्रह लाख तक के उसकी इनकम है हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे अगर वो इंडिया में वन डेज है तो वन डेज भी इंडिया में नहीं है स्टेट अवे नॉन रेसिडेंट कर देंगे सो so, क्राइटेरिया क्या बना उसका स्टे होता है वन डे और मोर तो वो क्या बन जाएगा रेसिडेंट एल्स क्या बन जाएगा नॉन रेसिडेंट सिंपल सिंपल चेक कर लो दिस इज डन सो अगर आप इंडियन ओरिजिन सिटीजन है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ऐसे तो आउटसाइड इंडिया और इंडिया से विजिट करने आते हैं विजिट में भी पंद्रह लाख रुपए कमा लेते हैं ये पंद्रह लाख का क्राइटेरिया कहां से आया ये मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया हुआ एक अमाउंट है पंद्रह लाख रुपए भी आप कमा लेते हैं तो आप क्या बन जाएंगे 182 एटी डेज के साथ रेसिडेंट बन जाएंगे अदरवाइज नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे अब दूसरा क्राइटेरिया इंडियन सिटीजन है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो ऐसे तो आउटसाइड इंडिया पर इंडिया विजिट करने के लिए आते हैं और इंडियन विजिट में इनकी इनकम पंद्रह लाख से ऊपर चली जाती है इनकी इनकम कितने से ऊपर चली जाती है फिफ्टीन लाख रुपीज से ऊपर चली जाती है तो अब इनको कब रेसिडेंट मानेंगे हम ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट he will be treated as resident if any criteria is satisfied one he is resident or sorry he stays in india for 182 days or more in Previous year or 120 days in previous year and 365 days in four previous preceding years.

यहां उठा के उस 60 डेज को 120 डेज कर दिया 120 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन फोर प्रीवियस ईयर सबको क्राइटेरिया समझ में आया सबको क्राइटेरिया समझ में आया चलो जी यहां पे वही क्राइटेरिया सिर्फ उठा करके 60 डेज को 120 डेज कर दिया इन प्रीवियस ईयर एंड 365 ये किसके लिए है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए है. जबकि किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए क्या है ये क्राइटेरिया अगर वो इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु इज आउटसाइड इंडिया इंडिया एंड कमिंग टू विजिट इन और इस विजिट में भी वो अप टू पंद्रह लाख या बियॉन्ड पंद्रह लाख कमाता है उसके ऊपर ये पूरा क्राइटेरिया डिपेंड करेगा मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन यह आंसर चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या दिया हुआ है यस yes? अच्छा जी जरा पॉइंट को समझते हैं जरा पॉइंट को समझते हैं सपोज उसका स्टे अप टू 120 डेज ही है वो क्या हो जाएगा नॉन रेसिडेंट स्टेट अवे, न वन एटी टू न वन ट्वेंटी सीधे नॉन रेसिडेंट हो गया वन ट्वेंटी डेज टू वन एटी टू डेज लिख के रखिए सिर्फ बियॉन्ड वन एटी टू डेज लिख के रखिए सिर्फ इसको आप ही भरेंगे इसको आप ही भरेंगे पर मुझे आपको कुछ समझाना होगा तभी ये फुलफिल होगा यस yes, मुझे आपको कुछ समझाना होगा तभी फुलफिल होगा विजिट मतलब वो इंडिया में आया है बस उसको विजिट बोलते विजिट मतलब विजिट आना विजिट उसको कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं काई के लिए आया घूमने के लिए आया काई के लिए आया उसको कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं हमने नोट में शायद छ नोट लिख दिए यहां पे लिखे नोट नंबर सेवन यहां पे लिखे नोट नंबर सेवन आगे जाइए सेवन इंडियन सिटीजन और पीआईओ क्राइटेरिया इंडियन सिटीजन और पीआईओ क्राइटेरिया ठीक है इधर देखिए मिस्टर गुरु is an Indian citizen leaving in Dubai from 2008. He regularly visit India in relation to his business. इनकम अंड फ्रॉम इंडिया 18 लाख फ्रॉम दुबई 36 लाख टोटल 54 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर He visited India from sixth from July to thirty first December, and every year he was in India. For same period, determine his residential status. Try करके बताओ, इनका residential status क्या होगा? न चलो एनी पर्सन एनी आइडिया क्या आंसर हो सकता है इसका सॉल्व करके देखते हैं इधर आओ सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं अपन वो सिक्स जुलाई को इंडिया में आया और थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक के इंडिया में था ये उसका विजिट पीरियड है एक एक चीज देखते हैं इज ही एन इंडियन सिटीजन यस मतलब अपने क्राइटेरिया में वो आ सकता है दूसरा उसकी इनकम अर्न बताया है दोनों जगह से हमें कहां से लेन देन है इंडियन सिटीजन ने इंडिया से कितना पैसा कमाया इस विजिट में उसने 18 लाख ,00 कमाया 18 लाख ,00 मतलब हम कौन से क्राइटेरिया में आ गए लाख वाले क्राइटेरिया में आ गए अब दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिसफाई कर लिया तो हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे या तो वो वन एटी टू डेज प्रीवियस ईयर में होगा या एटलीस्ट वन ट्वेंटी टू डेज एंड थ्री सिक्सटी फाइव इन फोर प्रीवियस प्रेसिडिंग ईयर में होना चाहिए ठीक है सर फॉरन से कितना कमाया हमारे लेन देन में नहीं है जब हम उसके रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे होंगे सो नंबर ऑफ डेज का एक वर्किंग नोट बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर वन जुलाई के कितने दिन काउंट करेंगे आप जुलाई के कितने दिन काउंट करेंगे ट्वेंटी सिक्स डेज सर ट्वेंटी फाइव होंगे ना जिस दिन आया और जिस दिन गया बोथ आर काउंटेड तो सिक्स जुलाई को इन पकड़ना होगा तो थर्टी वन माइनस फाइव करोगे तो सिक्स इंक्लूड हो जाएगा ट्वेंटी वन डेज होता है ऑगस्ट का थर्टी वन डेज वो इंडिया में रहा सितंबर के थर्टी डेज इंडिया में रहे अक्टूबर के थर्टी वन डेज इंडिया में रहे नवंबर के थर्टी डेज इंडिया में रहे और दिसंबर के पूरे थर्टी वन डेज इंडिया में रहे नंबर ऑफ डेज इन इंडिया निकल जाएगा ट्वेंटी सिक्स थर्टी वन थर्टी थर्टी वन थर्टी थर्टी वन वन सेवेंटी नाइन डेज इज क्लोज इनफ वन सेवेंटी नाइन डेज ये हुआ प्रीवियस ईयर में प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर वन प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर टू प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर थ्री प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर फोर लगभग इतने ही नंबर ऑफ डेज वो हर प्रीवियस ईयर में रहे परफेक्ट अब 182 डेज वाला क्राइटेरिया हो रहा है क्या आंसर इज नो 182 डेज वाला क्राइटेरिया तो पूरा नहीं हो रहा 120 डेज इन प्रीवियस ईयर यस 120 डेज इन प्रीवियस ईयर

एवरीबडी गेटिंग दिस और नॉट हा या ना हा या ना सबको समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा सबको समझ में आया ये क्राइटेरिया सिर्फ किसके लिए है इंडियन सिटीजन के लिए जो आ रहा है इंडिया में विजिट करने और उसकी इनकम इतनी हो रही है तो हमें उस हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ेगा आसान है बड़ा आसान है सिर्फ प्रॉब्लम में क्या ढूंढना है इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वर्ड लिखा हुआ इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वर्ड लिखा हुआ ढूंढना है बाकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं उसको स्ट्रेट अवे रेसिडेंट में क्राइटेरिया में कर देना है येस यहां पर आंसर लिखेंगे सिंस स्टे इन इंडिया इज फॉर एटलीस्ट वन ट्वेंटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर पी वाय पीपीवाई आप यूज कर सकते हैं शॉर्टकट ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट एग्जाम्पल सहित प्रभु एवरीबॉडी या ना एवरीबडी डन गेम ओवर इधर आओ वापस से चलते हैं सोचो रेसिडेंशियल स्टेटस कितना बड़ा क्राइटेरिया है अभी तक हम सिर्फ इंडिविजुअल पे हैं सो अ पर्सन कैन ईधर भी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट है so, be, -resident. Resident तो दो क्राइटेरिया स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन फोर प्रीवियस प्रोसीडिंग ईयर अगर ये कंडीशन सेटिसफाई हुई रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट है तो इसके तीन एक्सेप्शन है मतलब तीन लोगों के लिए ओनली वन एटी टू डेज का क्राइटेरिया कौन तीन लोग थे पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट शिप क्रू मेंबर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये तीन लोगों के लिए वन एटी टू डेज इंडिया में है तो रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट फिर हमने देखा ऐसे लोग जो टैक्स चोरी कर रहे थे रेसिडेंशियल स्टेटस अवॉइड करके अब कैसे कर रहे थे वो इंडियन सिटीजन थे या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे जो है तो आउटसाइड इंडिया लेकिन इंडिया विजिट करने आ रहे थे और इस विजिट में भी वो लोग क्या कर लेते थे पैसा कमा लेते थे भाई ऐसी कैसी विजिट है जिसमें पैसा कमा लिया जाता है तो उनकी इनकम पंद्रह लाख रुपए तक की थी हम इनको तब रेजिडेंट मानेंगे जब ये एटलीस्ट वन एटी टू इंडिया में रह जाते हैं हम इनको नॉन रेसिडेंट मान लेंगे जब ये एटलीस्ट दोनों में से एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं परफेक्ट चलेगा बेटा अनुष्का मैंने जवाब दे दिया आपने सुना नहीं मैं क्या कर सकता हूं आप बताओ मेरे बच्चे ठीक है यहां दो जगह हमने खाली छोड़ी है ये एक रीजन से खाली छोड़ी है बताऊंगा आपको ये समझ में आया सिक्स वन का क्राइटेरिया सबको क्लियर हुआ अब एक और लास्ट कंसेप्ट इसी से रिलेटेड है लास्ट कंसेप्ट है सभी लोग ध्यान से सुनना निशा मुझसे सवाल पूछ रही है सर अगर सिक्सटी डेज होता तो तब ये बन ही जाता ना बिल्कुल हो जाता तब ऐसा होता तो वैसा भी हो जाता बेटा और वैसा होता तो वैसा भी हो जाता आपने मेरे पॉइंट को नहीं सुना डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया ये आंसर हमारे बदलेंगे मतलब हमें बहुत गौर से प्रॉब्लम को देखना होगा मेरे बच्चे की क्या दिया हुआ है और उस हिसाब से हमें बदल नहीं होगा अब वो ऐसा होगा तो वैसा होगा और वैसा होगा तो वैसा होगा वो हर केस में एप्लीकेबल है वो मेरी जिंदगी में होती तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती वो मेरे जिंदगी में होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती तो ये तो हर क्राइटेरिया में एप्लीकेबल है बेटा नॉर्मल जीवन में भी एप्लीकेबल है कि वो मेरी जिंदगी में होता तो लाइफ ऐसी होती वो मेरी जिंदगी में होती तो वैसी होती तो ये तो होने और ना होने की बात है ना और इसी को शायरी के रूप में आपके साथ कहना चाहूंगा जरा गौर फरमाइएगा कि जरा शायरी के रूप में कहूंगा गौर फरमाइएगा कि बहुत गुरूर था मुझे उसके मेरे साथ होने पे बहुत डीप है जरा ध्यान से सुनना बहुत गुरूर था मुझे उसके मेरे साथ होने पे एक दिन जब वो नहीं रहा तो पता चला मेरी जिंदगी वैसे भी हंसी थी और वैसे भी हंसी है कि बहुत गुरूर था मुझे उसके मेरे साथ होने पे जब एक दिन वो नहीं रहा तो पता चला कि उसके होने से या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं वैसे भी खुश हूं और जिसको समझा ठीक नहीं समझा बेटा पोगो आस्था डिज्नी हॉटस्टार सब तुम्हारे लिए ही है राइट जिंदगी में अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन है और कौन नहीं है है तो अच्छा आए तो वेलकम नहीं आए तो भीड़ कम एटीट्यूड रे एटीट्यूड अरे लाइफ में तेरे पास एटीट्यूड होना चाहिए मेरे भाई तेरे पास एटीट्यूड है सी आप उस पॉइंट पे बहुत खतरनाक हो जाओगे मेरी बात जरा ध्यान से सुनना आप उस पॉइंट पे बहुत खतरनाक हो जाओगे जिस पॉइंट पे आप कह दो अब फर्क नहीं पड़ता तब आपसे पूरे वर्ल्ड को डरना चाहिए क्योंकि जब व्यक्ति इस मोड़ में पहुंच जाता है ना वो इस फिल्टर में पहुंच जाता है कि अब फर्क नहीं पड़ता कि तेरे होने से और ना होने से अब फर्क नहीं पड़ता ये फिल्टर जिंदगी में सबसे भयानक फिल्टर होता है इस आदमी से सबसे ज्यादा डरना जो इस जोन में पहुंच चुका है कि अब फर्क नहीं पड़ता अब फर्क नहीं पड़ता तेरे होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता यस तो मेरे भाई मेरे बच्चे यस ये ऐसा होगा ऐसा होगा तो ऐसा होगा वैसा होगा तो वैसा होगा ऐसे ही होगा बेटा हर क्राइटेरिया में ऐसे ही होगा दूसरा क्या शॉर्टकट यूज कर सकते हैं पी वाई पीपीवाई वाले एवाई वाले शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हैं यस तो जीवन में ये बात याद रखना किसी के रहने नहीं रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे लाइफ में राइट और और यू नो और कोई ज्यादा बोले कोई तुम्हें ज्यादा बताए ना एक काम कर लेमन चूस ले लेमन चूस ले का बेसिक आइडिया तो मैंने आपको बताई दिया चलो ये क्लियर हो गया अब मैं थर्ड क्राइटेरिया पे आ रहा हूं और किसी को कोई जवाब और कोई जवाब चलिए आगे बढ़ते हैं एक सेक्शन लेके आए लास्ट क्राइटेरिया है मतलब आपको यह समझ में आ गया तो मोटे मोटे तौर पे पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस समझ में आ गया इंडिविजुअल का डीम्ड रेसिडेंट सेक्शन सिक्स वन ए डीम्ड रेसिडेंट सेक्शन सिक्स वन ए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यस चलो आप फॉर एन इंडियन सिटीजन नॉट फॉर पी यू इंडियन सिटीजन डीम्ड रेसिडेंट नाम का एक कंसेप्ट लेके आए सेक्शन सिक्स वन ए बेटा देख हम क्या क्या पढ़ रहे सिक्स वन पढ़ा सिक्स सिक्स पढ़ा सिक्स वन ए पे आ गए हम सिक्स वन ए एक नया क्राइटेरिया ऐड किया अगेन 2020 से ऐड किया क्यों ऐड किया उसके पहले उसकी हिस्ट्री समझ लो तो लॉजिक समझ में आ जाएगा अब ऐसे कई इंडियन सिटीजन थे इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन जो टैक्स इस तरीके से प्लान करते थे कि ना तो वो इंडिया के रेसिडेंट बन रहे थे ना तो वो दुबई के रेसिडेंट बन रहे थे वो हियर एंड देयर घूम ही रहे थे मतलब वो मल्टीपल कंट्रीज में रहते थे और कहीं पे भी एक फिक्स जगह पे वो रेसिडेंट नहीं बनते थे अब ऐसा वो करते क्यों थे हर जगह टैक्स अवॉइड करने के लिए हर जगह टैक्स अवॉइड करने के लिए और ऐसे लोग सिर्फ इंडिया में ही नहीं है आउट ऑफ इंडिया भी ऐसे लोग हैं जो ऐसा टैक्स अवॉइड कर रहे हैं अगर मैं परसों की न्यूज सुनू अगर मैं परसों की न्यूज के ऊपर ध्यान दू तो यू नो एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो बहुत प्रॉफिट कमा रही है लेकिन उसका ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी बहुत कम है और ऐसी कई कंपनी है फेसबुक के ऊपर तो मुकदमा भी चल रहा है टैक्स इवेशन का क्योंकि कई कंट्री में वो रेसिडेंट बनती ही नहीं है वो रेसिडेंट स्टेटस से ही बाहर चली जाती है यस yes, अब ये टैक्स प्लानिंग है ये जो ग्लोबल कंपनीज है ये इतने आसानी से टैक्स प्लान करती है क्योंकि ये मल्टीपल कंट्रीज में अवेलेबल होती है ये जितना टैक्स सेव करती है ये दूसरे कंट्री में जाकर के वही प्रोडक्ट सस्ते में बेच करके मार्केट बनाती है यस yes, ये इनका नॉर्मल क्राइटेरिया होता है अब ऐसे लोग क्या करते थे ना तो वो इधर रेसिडेंट हो रहे हैं ना तो वो इधर रेसिडेंट हो रहे हैं अब कहीं पे भी रेसिडेंट ना होने की वजह से ना तो वो वहां टैक्स पे कर रहे हैं ना तो वो यहां पे टैक्स पे कर रहे मतलब वो आदमी अपनी वेल्थ बढ़ाए जा रहा है वो टैक्स ही पे नहीं कर रहा वो इधर का भी रेसिडेंशियल स्टेटस अवॉइड कर देता उधर का भी अवॉइड कर देता उधर का भी अवॉइड कर देता मल्टीपल कंट्री वो कहीं एक कंट्री का रेसिडेंट नहीं इंडिया ने बोला वन डेज ये आदमी इंडिया के अंदर में रहगा ही हंड्रेड दिन फिर दुबई ने बोला हंड्रेड डेज वो वहां पर रह गई एट्टी दिन और वो अपनी कंट्री स्विच कर लेता कंट्री स्विच कर लेता तो एक जगह वो रेसिडेंट नहीं होता अब कहीं पे अगर वो रेसिडेंट ही नहीं है तो उसने रेसिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया क्राइटेरिया अवॉइड अवॉइड कर कर दिया और कर दिया और रेसिडेंशियल स्टेटस का तो मैक्सिमम तौर पर टैक्स भी अवॉइड कर दिया अब ऐसे लोग बहुत हो रहे थे अब इसके पीछे एक और हिस्ट्री सुनिए इसी के पीछे एक और हिस्ट्री सुनिए बात है दो की इंडिया ग्लोबल फोरम पे जाता है इंडिया ग्लोबल फोरम पे जाता है ग्लोबल फोरम, है। ग्लोबल फोरम जैसे सबमिट सबमिट होता होता है, UN होता है, ऐसे ग्लोबल फोरम पे जाता है और इंडिया एक वादा करके आता है वो इंडिया में हो चाहे वो किसी और कंट्री में हो 2015 में किया गया वादा 2020 में पूरा होता है 2020 में हम अपने लॉ को अमेंड करते हैं 2020 में हम इंडियन लॉस को अमेंड करते हैं और इंडियन लॉस को अमेंड करने के बाद वहां पे एक क्राइटेरिया लिख देते हैं सिक्स वन ए क्या लिखता है इस क्राइटेरिया में क्राइटेरिया में लिख देते हैं अगर कोई इंडियन सिटीजन है इंडियन सिटीजन है इंडियन सिटीजन है इंडियन सिटीजन है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है अगर कोई इंडियन सिटीजन है येस इंडियन सिटीजन है स्टेज Outside India and coming to visit in India and earn more than fifteen lakh other than foreign sources and he is not liable to pay tax anywhere, he will be deemed to be resident in India. चेक करो अगर वो एक इंडियन सिटीजन है अगर वो एक इंडियन सिटीजन है एंड ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स अगर वो एक इंडियन सिटीजन है अब किसके लिए लाया था क्राइटेरिया ऐसे लोगों के लिए जो कहीं का भी रेसिडेंशियल स्टेटस अवाइज कर रहे हैं so, अगर वो एक इंडियन सिटीजन है राइट हु इज आउटसाइड इंडिया कमिंग टू विजिट इन इंडिया सेम क्राइटेरिया मोर देन फिफ्टीन लाख अगर वो पंद्रह लाख से कम कमा रहा होगा यह क्राइटेरिया उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है कम अगेन अगर वह पंद्रह लाख से ऊपर कमा रहा होगा यह क्राइटेरिया उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है yes. तो अगर वो इंडियन सिटीजन है हु इज आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू विजिट इन इंडिया एंड अर्न मोर देन फिफ्टीन लाख रुपीज एंड इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स एनी वे कहीं पर भी और टैक्स पे करने के लिए वो लाइबल नहीं बनता है तो बाई डिफॉल्ट में वो इंडिया में रेसिडेंट माना जाएगा और अब इंडिया में टैक्स पे करेगा आप देख रहे हो दीदी का दिमाग देख रहे हो आप वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है अगर आपने कहीं और पे नहीं किया बाय डिफॉल्ट में आप इंडिया में पे करने के लिए लायबल हो जाओगे अब बताओ लॉ क्या बनाया जबरदस्त बनाया कि नहीं बनाया क्या लॉ बनाया आप सुनिए अगर वो पंद्रह से कम कमा रहा होगा तब तो ये रूल ही एप्लीकेबल नहीं तब तो ये प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं पंद्रह से ज्यादा बना रहा होगा तो दीदी ने ऐसा दिमाग लगाया 2015 में वादा करके आई थी दीदी दीदी 2015 में वादा करके आई थी इंडियन व्यक्ति को हम टैक्स चोरी का ऑप्शन ही नहीं देंगे 2020 में दीदी ने ऑप्शन पूरा कर दिया 2020 में दीदी ने क्या कहा दीदी ने कहा कि बेटा अगर तुम कहीं और पे करने के लिए लायबल नहीं हो और इंडिया से पंद्रह लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हो तुमको इंडिया में आकर टैक्स देना है कहीं और टैक्स पे नहीं कर रहे हो तो इंडिया में टैक्स दो तुम कहीं और पे नहीं कर रहे ना इंडिया में टैक्स दो चलो चुपचाप इंडिया में टैक्स दो अब तुम्हें शायद समझ में आएगा कि मे भी पॉलिसी वाइज तुमको अब समझ में नहीं आता पर अब तुमको समझ में आएगा कि ऐसे कई चीजें इनकम टैक्स में की जा रही है जिसका बहुत परपेचुअल बेनिफिट इंडिया को मिलेगा इंडिया को इसका बहुत परपेचुअल बेनिफिट मिलेगा क्योंकि कई सालों से ऐसे लोग जो टैक्स चोरी करते आए और इंडिया से भी पैसे कमाते आए हैं और इंडिया में टैक्स नहीं दे रहे और कहीं और भी टैक्स नहीं दे रहे अब बाय डिफॉल्ट में उस वादे के कारण इंडिया के लोग इंडिया में उसको टैक्स देना पड़ेगा बिकॉज अब इंडिया में वो क्या बन गया रेसिडेंट बन गया बात समझ में आ रही है सो so, दीदी ने ये बहुत अच्छा प्रोविजन लेकर के आया मैं इसे बहुत अप्रिशिएट करूंगा ये पर्टिकुलर प्रोविजन को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा सो so, स्टेज इन इंडिया वो इंडियन सिटीजन है यह पर्सन ऑफ देखिए यह क्राइटेरिया इंडियन सिटीजन एज वेल एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए सिक्स वन एज सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए सो इंडियन सिटीजन इज आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू विजिट इन इंडिया पंद्रह लाख से ज्यादा कमा रहा है इंडिया से अदर देन फॉरन सोर्सेस इंडिया से पंद्रह लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है काम खत्म और वो कहीं और पे करने के लिए, लिए लाइबल नहीं है नॉट लाइबल टू पे टैक्स एनी वेयर विल बी लाइव ही विल बी डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इंडिया में उसको हम बाय डिफॉल्ट में क्या मान लेंगे रेसिडेंट मान लेंगे यस yes. चलिए इधर आइए इधर आइए अब मेरे साथ नोट्स में आइए प्रूफ रीडिंग कीजिए मेरे साथ नोट्स में आइए प्रूफ रीडिंग कीजिए पेज नंबर टू पेज नंबर टू सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के हिसाब से आता है अदर देन थ्री कवर्ड कैटेगरी इफ ही सेटिस्फाई एनी कंडीशन गिवन विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट ही स्टेज इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रेसिडेंट ईयर ये क्राइटेरिया समझ में आया इंडियन सिटीजन हु इंडिया एज अ शिप क्रू मेंबर Or for person leaving India for employment, they would be treated as resident if they stays for 182 days or more in previous year. Person of Indian origin, Indian citizen, ship crew member, 182 days or more in India may be resident as non-resident. Fair Indian citizen or person of Indian origin who is outside India and coming to visit in India, and total income is 15 lakh or less. दिस वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ दे स्टेज इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज ये क्राइटेरिया समझ में आया सो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वैसे तो आउटसाइड इंडिया है लेकिन कमिंग टू विजिट कमिंग टू विजिट इन इंडिया अगर है पंद्रह लाख रुपए तक के कमा रहा है हम रेसिडेंट मान लेंगे अगर वन एटी टू डेज का क्राइटेरिया है तो यस yes? अच्छा इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who is outside India and coming to visit to India and total income exceed 15 lakh. Now, one criteria though two criteria? Stays in India for 182 days or more, 120 days in previous year and 365 days in four previous preceding year. Everyone, getting or not? Everyone, complete or not? ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए नीचे आइए डीम्ड रेसिडेंट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सिक्स वन सिक्स वन में क्या लिखा है उसको तिल लगाने गया सिक्स वन में क्या लिखा है तिल लगाने गया इधर देखिए एन इंडिविजुअल बींग सिटीजन ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजन कवर किया है पी आईओ नॉट कवर्ड एन इंडिविजुअल बींग एन इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरन सोर्सेज एक्सीड्स फिफ्टीन लैख शल डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर इफ ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरेटरी बाय रीजन ऑफ इज डोमासल और रेसिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर किसी भी क्राइटेरिया की वजह से अगर आपने वहां पर टैक्स पे नहीं किया वहां टैक्स हो नहीं हो तेल लगाने गया अगर आप किसी और कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है आप इंडियन सिटीजन है इंडिया से पंद्रह लाख से ज्यादा कमाते हैं आपको इंडिया में टैक्स देना है गेम ओवर आप डीम्ड एज रेसिडेंट मान लिए जाओगे आप डीम्ड रेज रेसिडेंट मान लिए जाओगे यस प्रभु अच्छा जी इसके नीचे के पॉइंट्स को अभी तक मैंने हाथ नहीं लगाया मैंने इसी क्राइटेरिया को अब तक हाथ लगाया क्योंकि उन क्राइटेरिया को समझने के लिए आपको मेरे साथ आर ओ आर आर एनओआर समझना होगा यस yes. तो अब तक हमने रेसिडेंशियल स्टेटस कितना पढ़ा है मैं पांचवी बार रिवाइज करवाता हूं पहले एक नॉर्मल क्राइटेरिया जो हर तरह के व्यक्ति के लिए है राइट वन एटी डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज और इन 365 डेज इन फोर प्रीवियस प्रेसिडिंग ईयर ये सेटिस्फाई हुआ दोनों में से एक रेसिडेंट एल्स नॉन रेसिडेंट ठीक है फिर हमने पढ़ा तीन लोगों के लिए सिर्फ 182 डेज है पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट शिप क्रू मेंबर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तीसरा क्राइटेरिया पढ़ा इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो ऐसे तो आउटसाइड इंडिया इंडिया और इंडिया में विजिट करने के लिए आते हैं तो हम इसे मिनिस्टर द्वारा द्वारा वादा यह वा, so, था कि जो इंडिविजुअल इंडियन कहीं पे भी टैक्स चोरी करने के लिए प्रमोट नहीं करेंगे तो हम ही एक ऐसा लॉ बना देते हैं कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया आ रहा है पंद्रह लाख से ज्यादा कमा रहा है और कहीं और पे करने के लिए लायबल नहीं है तो वो इंडिया में लायबल होगा आपके मन में दो सवाल यहां पे खड़े होने चाहिए पहला हमें कैसे पता चलेगा उसने किसी और कंट्री में टैक्स पे नहीं किया हम ये अज्यूम करते हैं कि उसने किसी और कंट्री में टैक्स पे नहीं किया किया है तो वो डिक्लेरेशन देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिक्लेरेशन देगा सर डिक्लेरेशन तो कुछ भी दिया जा सकता है आपके डिक्लेरेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस कंट्री के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रीवेरीफाई कर लेगा बहुत सिंपल है उनके लिए ओ तो पहला क्राइटेरिया आपको जनरली डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा अनलेस एंडिल आप ये प्रूफ कर दो कि हाँ आपने कहीं और टैक्स पे किया हो आपने प्रूव कर दिया आप इस क्राइटेरिया से बाहर चले गए पंद्रह लाख ,00 से इनकम आपके नीचे है तब ये पर्टिकुलर प्रोविजन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है यस yes, उस केस में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस जो डिटरमाइन होगा वो ये जो सेकेंड क्राइटेरिया था इसके हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा डन है प्रभु चलिए अब मुझे आपके सवाल चाहिए इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे कुछ है तो यहां तक मैंने जितना पढ़ाया इस पे मेरे को आपके सवाल चाहिए इन सवालों को मैं जवाब दूंगा और फिर इसके बाद के कंसेप्ट को मैं आगे लेके जाऊंगा सर पर नॉन रेजिडेंट को तो ज्यादा टैक्स लगता है ना तो फिर सब जन एनआर क्यू क्यों बनना चाहते हैं आप अभी तक पूरा लॉ नहीं समझिए श्वेता जी एनआर को ज्यादा टैक्स कंपनीज के केस में लगता है अदर देन कंपनी तो उसको भी बेसिक एक्सम्शन लिमिट मिल रहा है प्लस इंडिया के बहुत सारे कानून अवॉइड कर देगा अगर वो रेसिडेंट ही नहीं है तो सर इफ इज़ इन दुबई देन नॉन टैक्स जोरिस्टिक्शन है मतलब वहां उसने टैक्स पे नहीं किया बाई डिफॉल्ट में इंडियन रेसिडेंट माना जाएगा इंडिया में पे करेगा अगर इंडिया से भी पंद्रह लाख से ज्यादा इनकम तो सर वन डेज क्यों लिया गया मैंने आपको इसका रीजन बताया बेटा फेमा किसकी माँ? फेमा किसकी मां फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहता है इसलिए आरबीआई ने डिसाइड किया है सर जब भी इंडिया में आते हैं दो चार दिन के लिए तो उन पे टैक्स नहीं लगता दो चार दिन के लिए इनकम ही नहीं कमाई तो क्या टैक्स लगाएंगे उनके ऊपर देखिए टैक्स लगाने के लिए इनकम भी होना है वो आए इंडिया घूमने के लिए उनने इनकम ही नहीं कमाई आप टैक्स क्या लगाओगे सर जो अदर तीन कैटेगरी के एक्सेप्शन है कैसे हो गए जनरल रूल का जनरल रूल था दो क्राइटेरिया उनके लिए तो एक ही क्राइटेरिया है ना इसीलिए एक्सेप्शन में आ गए सर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मतलब मैंने पढ़ाया ही नहीं अब पढ़ाऊंगा सर जो पी आई ओ है हम नाइनटीन फोर्टी सेवन के बाद हुए हैं वो नहीं है क्या नहीं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हम वही विभाजन मानते जो नाइनटीन फोर्टी सेवन में हुए उसके बाद आप गए क्राइटेरिया हम नहीं मानते सर पी आई कैन स्यू एंड बी स्यूड लॉ में समझेगा हमारे पास यू का कोई गेम ही नहीं है सर दुबई से है वो दुबई से ही पचास लाख कमा रहा है और इंडिया से टेन लाख कमा रहा है वो इंडियन सिटीजन है या नहीं है उस पर डिपेंड करेगा क्राइटेरिया क्या हुआ सर रेसिडेंट हुआ तो फॉरेन इनकम पे भी टैक्स लगेगा क्या सेक्शन पांच में पढ़ेंगे हमने जितना पढ़ाया उसके ऊपर सवाल पूछे सर पंद्रह लाख का इनकम है इंडिया से फिर रेसिडेंट नहीं है और कहीं पर भी रेसिडेंट नहीं है तो डीम्ड रेसिडेंट की प्रोविज़न लगती है क्या नहीं लगती अगर इंडिया में पंद्रह लाख का इनकम नहीं है तो डीम्ड रेसिडेंट की प्रोविज़न नहीं लगती सर अगर उनको आउटसाइड कंट्री में इंडिया का कंपेयर्ड कम कं टैक्स लगता है तो उनको क्या पे करना है डिपेंड करता है इंडिया में उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है ऐसा हो सकता है कि वो इंडिया में भी पे करे और आउटसाइड इंडिया भी पे करे और फिर उसका क्रेडिट मिल जाए ये थोड़ा सा आगे है रेसिडेंशियल स्टेटस में समझाता हूं यस yes? सर अगर अच्छा कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चे क्वेश्चन कॉमन पूछ रहे हैं मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने ये सवाल पूछ लिया है पहले सर पेरेंट्स में ग्रेट पेरेंट्स भी आएंगे क्या नहीं सर अगर एनहार है तो फिर भी इंडियन स्टॉक मार्केट से करना रहा है तो भैया आप क्या सवाल पूछ रहे हो पवन आपको ही समझ रहे हैं सवाल क्लियर पूछो सर कैसे पता चलेगा दूसरे किसी कंट्री में वो टैक्स पे कर रहा है कि नहीं अभी थोड़ी देर पहले ही बताया बेटा आपका ध्यान नहीं था सर टेक्निकल गुरुजी जो पैसा कमा रहे होंगे इंडिया से उस पर टैक्स लगेगा क्या थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा यस। इफ शिप क्रू मेंबर पूरा साल देश में नहीं आया तो नॉन रेसिडेंट तुषार बेटा वो लेक्चर पूरा वापस देखो अपने पेरेंट्स की वजह से है मेरा मतलब क्या मालूम अमीर तुम क्या पूछ रहे हो सर ये सेक्शन एक दूसरे पे ओवरलैप होते क्या नहीं नहीं होते यहां कोई सवाल नहीं तीसरे चौथे चैनल पर सवाल ले रहा हूं मैं सर अगर लीप ईयर है तो क्राइटेरिया सेम ही होता है क्या लीप ईयर है तो बस आप 365 सिक्सटी फाइव की जगह थ्री लेते हो नंबर ऑफ डेज में क्राइटेरिया रिमेन सेम क्राइटेरिया रिमेन सेम सर टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं ना करते ही है कर सकते हैं नहीं क्या करते ही है हमने जितना पढ़ा है, उससे नहीं है. आपकी क्यूरोसिटी आगे से है जैसे कि मैं कुछ दिन पहले आपसे कह रहा था आप टैक्स पढ़ते पढ़ते इतने क्यूरस हो जाएंगे कि आप खुद दिमाग लगाना चालू कर देंगे ऐसे फिर तो टैक्स चोरी हो सकती वैसे फिर तो टैक्स चोरी हो सकती ये दिमाग लगाने से पहले आपको पूरा इनकम टैक्स समझना होगा आपने इनकम टैक्स का पड़ा है अभी तक पूरा इनकम टैक्स पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा ये हो हो सकता है हो सकता है या नहीं क्योंकि यहां पे अप्रूवल किया दूसरे चैप्टर में रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ता है तो जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड पूछिए ये फिर नॉन रेसिडेंट ने स्टॉक मार्केट से कमाया ये क्राइटेरिया ही हमने कहां पढ़ा अभी तक आप उससे रिलेटेड पूछोगे आपको लगता है मैं जवाब दूंगा अभी क्योंकि आप उतने मेच्योर हुए ही नहीं हो सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको कहां से जवाब दूर सर YouTube से कमा रहे हैं टारगेटेड ऑडियंस इंडिया है, में है तो क्या टैक्स होगा या नहीं होगा सेक्शन नाइन के लिए वेट करो आपको पूरा यूट्यूब का इनकम समझ में आ जाएगा सेक्शन नाइन का वेट करो पूरे यूट्यूब का इनकम समझ में आ जाएगा आपको शिप क्रू मेंबर कहां टैक्स नहीं देगा इफ वो किसी भी देश में नहीं रहा तो ऐसा नहीं होता है वो किसी ना किसी इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर में जरूर होता है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर में हुआ तो वो उस कंट्री में टैक्स दे देता है पर वो टैक्स जरूर देता है टैक्स अवॉइड नहीं कर सकता वो क्योंकि शिप कोई ना कोई पोर्ट पे तो जाएगी वो वहां से टैक्स लेकर निकलेगी यस yes. क्राइटेरिया सारे खत्म हो गए क्राइटेरिया बेटा सारे खत्म हो गए एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वो सारी चीजों से रिलेटेड है जो आगे आने वाले हैं मैंने जितना पढ़ा है उस पर तो कोई सवाल पूछ लो ना लायको नहीं सर वो वो सारे पॉइंट क्लियर है सर आप ये बताओ राइट right? सर अगर इंडियन सिटीजन है तो क्या सिर्फ इंडियन अर्निंग पे ही टैक्स लगेगा बेटा आप फिर मेरे से सवाल पूछ रहे पार्थ। मैंने अब तक आपको सिखाया ही कहा कि कौन सी इनकम है अच्छा मुझे अब तक किसी भी बच्चे को इंडियन इनकम क्या होता ये है यह समझाया क्या तुमको अब तक यही नहीं समझता इंडियन इनकम क्या होता है फॉरेन इनकम क्या होता है तुम मेरे से सवाल क्या पूछ रहे इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा अरे तुमको खुद को तो भी मालूम है कि इंडियन इनकम कितने क्राइटेरिया है तुमको खुद को तो भी मालूम है क्या इंडियन इनकम के इतने क्राइटेरिया है इधर देखो मैं तुम्हारे को समझाता हूं तुम जब आगे जाओगे ना आगे बहुत आगे है तुम जब आगे जाओगे ना तो सेक्शन पांच मिलेगा सेक्शन पांच में हम पहले इंडियन इनकम डिस्कस करेंगे जब इंडियन इनकम डिस्कस करोगे तो तुमको समझ में आएगा ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है अब तक तुमको कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है ये देखो जिनके भी ये सवाल है ना

यहां पे ये भी कवर है कौन सी इनकम कहां मिली तो किधर टैक्सेबल करना सब कवर है शांतता बनाए रखे ये देख तू आगे तो बढ़ रहे तेरे को कितने तरह की इनकम है तेरा नंबर ऑफ टॉपिक कितने है? पहले ये देख ये देख तेरे को मेरे साथ अठारह पेज पढ़ने होंगे तब तेरे को क्लैरिटी आएगी अठारह पेज पलटने होंगे तेरे को कितने अठारह तू भी पहले पेज रे पे लाला चलो So, ये क्राइटेरिया क्लियर डीम्ड रेसिडेंट का क्राइटेरिया क्लियर इधर आइए नेक्स्ट पेज पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दिखेगा आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज डीम टू बी इंडियन ओरिजिन इफ इधर ही और पेरेंट्स और एनी ऑफ इज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन टू अनडिवाइडेड इंडिया इट मे बी नोटेड दैट ग्रैंड पेरेंट्स इंक्लूड बोथ मेटरनल एंड पेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यस चलिए उसी के नीचे आरओ आर का क्राइटेरिया आर एनओ आर का क्राइटेरिया अब हम आते हैं यहां पे, वापस से चार्ट में आइए आपने लिख के रखा है रेसिडेंट अगर बन गया वो अगर वो रेसिडेंट बन गया चाहे किसी भी क्राइटेरिया के हिसाब से सिक्स या सिक्स वन ए किसी भी क्राइटेरिया के हिसाब से अगर वो रेसिडेंट बन गया तो हमें उसे फर्दर क्लासीफाई करना पड़ता है आर ओ आर 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 में अगर किसी भी क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो रेसिडेंट बन गया तो हमें उसे फर्दर क्लासिफाई करना पड़ता है आर ओ आर या आर एनआर का फुल फॉर्म क्या होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डीनरीली रेसिडेंट शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो आर एनआर का रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट अब जैसे आप और मैं हो गए हम यही पैदा हुए यही बड़े और शायद यही खत्म हो जाएंगे हम हो गए आरओ आर रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया कुछ लोग यहां आए कुछ दिनों के लिए आए कुछ सालों के लिए आए और वापस चले गए रेसिडेंट रीली रेसिडेंट इन इंडिया तो हमें फर्दर दो क्लासिफिकेशन करने पड़ेंगे हमें सबसे पहले उसे क्या बनाना होगा रेसिडेंट बनाना होगा और रेसिडेंट पढ़ाने के बाद हम उसे आर ओ आर या आर एनआर आर ओ आर आर एनआर में कन्वर्ट करेंगे आर ओ आर आर एनआर में कन्वर्ट करेंगे सो आरओ आर का क्राइटेरिया क्या है आर ओ आर लिखा है सेक्शन सिक्स अब सेक्शन सिक्स में और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी अगर आपको आरओ आर बनना है तो कम अगेन आर ओ आर अगर बनना है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी आर ओ आर अगर बनना है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी आर ओ आर बनना है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों के बीच में एंड लिखा है दोनों के बीच में एंड लिखा प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर एनी टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रेसिडिंग को सेटिसफाई करना पड़ेगा पहला ही इज रेसिडेंट फॉर एनी एनी टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रेसिडिंग दस में से कोई भी दो साल वो रेसिडेंट हो जाए रेसिडेंट मतलब वो जो ऊपर क्राइटेरिया दिया उस हिसाब से वो जो रेसिडेंट दिया उस हिसाब से दूसरा एंड स्टेज इन इंडिया फॉर सेवन थर्टी डेज इन सेवन प्रीवियस प्रिडिंग ईयर स्टेज इन इंडिया सेवन थर्टी डेज इन सेवन प्रीवियस प्रिडिंग ईयर यस अच्छा जी क्या मीनिंग है सर इसका क्या मीनिंग है सर इसका आइए बताता हूं एग्जाम्पल नंबर कितने पे हम हमने सात कर लिए आठवा एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर एट इधर आओ यहाँ लिखो एग्ज़ाम्पल नंबर एट रजिस्टर में आगे जाओ एग्जाम्पल नंबर एट थोड़ा कोने से लिखना चार पांच एग्जाम्पल एक साथ आएंगे सो प्रीवियस ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू सिचुएशन वन टू थ्री फोर फाइव पांच सिचुएशन खड़ी कर देते वन बाय फाइव एग्जाम्पल सॉल्व करते और नीचे दस प्रीवियस ईयर्स बनाओ ट्वेंटी ट्वेंटी वन नाइनटीन ट्वेंटी एटीन नाइनटीन सेवेंटीन एटीन सिक्सटीन सेवेंटीन फिफ्टीन सिक्सटीन फोर्टीन फिफ्टीन थर्टीन फोर्टीन ट्वेल्व थर्टीन

बताइए पहले केस में इनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है पहला जवाब एनी बिल्कुल सही जवाब दिया सर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया सर आपने रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सबसे पहले उसको रेसिडेंट बनाओ पहले उसे अपना बनाओ यहां पे अगर प्रीवियस ईयर में ना आप 182 एटी टू डेज है ना सिक्सटी डेज तो आप रेसिडेंट ही नहीं है जब आप रेसिडेंट ही नहीं है तो आर ओ आर आर एन ओ आर तो बहुत दूर की बात है अगर आप रेसिडेंट ही नहीं है तो आर ओ आर आर एन ओ आर बहुत दूर की बात है खत्म टाटा बाय बाय एवरीवन और ये बात सभी को समझ में आ गई अगर आप रेसिडेंट ही नहीं है तो मैटर खत्म हो गया ऑल ओके दूसरा सवाल अब बताइए दूसरे सिचुएशन में पहले सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या वो रेसिडेंट है पहले सिर्फ इतने से सवाल का जवाब दे दो क्या वो रेसिडेंट है क्या वो रेसिडेंट है रेसिडेंट के क्राइटेरिया सिक्स वन में लिखे थे दोनों में से कोई भी एक क्या वो रेसिडेंट है बिल्कुल रेसिडेंट है सर कैसे सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर तो यस yes, वो रेसिडेंट है वो रेसिडेंट है अब रेसिडेंट है तो मम्मी को बोलो कॉम प्लान पिलाए उसे आर ओ आर या आर आर बनाए मम्मी को बोलो कॉम प्लान पिलाए इसे आर ओ आर या आर आर बनाए चलो आर ओ आर बनाते हैं आर ओ आर के लिए पहला क्राइटेरिया क्या है एटलीस्ट टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर में वो रेसिडेंट होना चाहिए एनी 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 यानी दस में से कोई भी दो साल दस में से कोई भी दो साल दस में से कोई भी दो साल दस में से दस में से कोई भी दो साल उसमें क्या होना चाहिए रेसिडेंट होना चाहिए चलिए इस साल वो रेसिडेंट था क्या सोचते हैं इस साल वो रेसिडेंट था क्या सोचते हैं सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रीसिडिंग ईयर इस साल रेसिडेंट था मतलब टू आउट ऑफ टेन में वन आउट ऑफ टेन तो मिल गया इस साल वन एटी टू डेज से ऊपर था तो यहां पर भी रेसिडेंट मिल गया यहां पर भी रेसिडेंट मिल गया तो क्या वो टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर रेसिडेंट था यस लेकिन आर ओ आर बनने के लिए दो नो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है अभी तो सिर्फ एक हुई है आर के लिए तो दोनों कंडीशन सेटिसफाई करनी पड़ती है दस में से कोई भी दो साल इधर भी वो रेसिडेंट है इधर भी वो रेसिडेंट है, तो किधर के भी दो साल उठा लो दो साल वो रेसिडेंट है खत्म हो गया क्राइटेरिया पहला क्राइटेरिया कंडीशन पूरा डन डन टना डन बच्चे अच्छा अब दूसरा सेवन थर्टी डेज उसने इंडिया में बिताने हैं सेवन प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर के हिसाब से जब प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर होता है तो यह बोलने की बात है ही नहीं कि हम कंटिन्यूस प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर पे लेते हैं सेवन थर्टी डेज चाहिए प्रीवियस प्रसिडिंग ईयर में तो प्रीवियस ईयर को छोड़ दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर के अंदर में क्या वो सात सो तीस दिन एटलीस्ट था इंडिया में हाँ हा यहां यस वो सात सो तीस दिन है थ्री सिक्सटी फाइव थ्री सिक्सटी फाइव सेवन थर्टी वैसे ही हो जाते वैसे भी हो जाते तो क्या ये भी कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर ली यस yes. तो बधाई हो प्रभु वो कौन बन गया आर ओ आर बन गया बधाई हो प्रभु वो कौन बन गया आर ओ आर बन गया एवरी वन समझा या नहीं समझा पहले रेसिडेंट बनाओ रेसिडेंट बन गया मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए इसे आरओ आर या आर एनओआर बनाए आर ओ आर के दो क्राइटेरिया चेक करो दस में से कोई भी दो साल कोई भी दो साल रेसिडेंट बना दो सेवन थर्टी डेज इन सेवन प्रीवियस प्रोसीडिंग अगर ईयर है तो बस खत्म हो गया काम अगर वो दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा उसको आर आर में उठा के फेंक दो उसको आर एन ओ आर में उठा के फेंक दो ला 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 ला। भो थार्ड। भो थार्ड मालिक बहुत हार्ड आर ओ आर समझ में है तीसरा एग्जाम्पल आपके लिए तीसरा एग्जाम्पल आपके लिए ढूंढ के निकालो आरओ आर आर का क्राइटेरिया चलो सब बच्चे यहां डायरेक्ट लिख रहे हैं एनआर अरे थोड़ा तो सोच लो थोड़ा तो सोच लो जीवन में डायरेक्ट एनआर सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रसिडिंग ईयर यही नहीं हो रहा तो वो स्ट्रेट अवे हो गया एन आर और अगर एनआर है तो फिर आर ओ आर आर एनओ आर को तो संबंध ही खत्म है वेरी गुड आई एम प्राउड ऑफ यू नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोगों के लिए फटाफट निकालो आर ओ आर 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 बोलो जल्दी सब पूछते कह रहे हैं आर ओ आर इतने जल्दी सीख गए वाह वेरी गुड पर मुझे तुम पे यकीन नहीं है मैं चेक करूंगा क्या 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रोसीडिंग हो रहा है yes मतलब वो रेसिडेंट तो बन गया कोई तपलिक नहीं रेसिडेंट में उसको रेसिडेंट बन गया तो मम्मी को बोलो कॉम प्लान पिलाए आर यान ओ आर बनाए आर ओ आर बनने के लिए दस में से कोई भी दो साल रेसिडेंट होना तो चलो इधर चेक करते क्या वो इस साल रेसिडेंट था यस सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रीसिडिंग ईयर नो यहाँ वो रेसिडेंट नहीं था यहां चेक करते हैं सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव इन फोर प्रीवियस ईयर यस यहां वो रेसिडेंट था क्या यहाँ रेसिडेंट था यस सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस ईयर यहां पे भी वो रेसिडेंट था चलो इतना दिमाग अगर नहीं लगाना है इतना दिमाग अगर आपको नहीं लगाना है तो यहां पे भी वो रेसिडेंट मिल जाता है स्ट्रेट अवे 182 डेज के क्राइटेरिया में यहां पे भी रेसिडेंट मिल जाता है तो टू आउट ऑफ टेन तो आराम से हो गया अब सेवन थर्टी डेज यह था सेवन प्रीवियस प्रसिडिंग ईयर में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन क्या हम सेवन हंड्रेड से ऊपर है आराम से तीन सो दो सौ पांच सौ छह सौ सात सौ आठ सौ आर ओ आर इज द एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर आता गजब वाटते आया के इधर की डायरेक्ट इधर अब समझा जरा सा पेशेंस रखने का नतीजा क्या होता है कितने भी बड़े फिगर्स दिए तुम आंसर निकाल लोगे इसको बोलते धीरे धीरे हॉले हॉले होले होले ऐसा ऊपर चढ़ने का तुमको पहले दिन ऊपर चढ़ने का मूड है मैं वो टीचर नहीं है जो तो तुमको डायरेक्ट डायरेक्ट ऊपर लेकर चलना है आराम से जाएंगे धीरे धीरे जाएंगे कि जिंदगी में सक्सेस का मजा तब है जब हम होले होले धीरे धीरे हर प्रोसेस को समझते हुए जाएं जो कभी जिंदगी डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दे तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है हो, आत्ता कसा वाटते प्रभु गुड़ गुड़ वाट तो है एवरी बाडी नहीं एक और एक और नो ओवर कॉन्फिडेंस एक और मेरे को पता करने दो सच में तुमको आया है क्या चलो निकालो चलो निकालो और तोड़ एक नंबर अब मैं आपको बताऊं आपका जवाब एक सेकंड में आएगा क्योंकि आपने उतना यू नो चीजों को तोड़ दिया मेरे साथ कि अब आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं ऊपर से नीचे तक देखोगे तुमको वैसे समझ में आ जाएगा ये आर ओ आर है आर एन आर एन आ रे आपको जो एक एक सेकंड में आंसर आ रहा है ना तुरंत कमेंट करके ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने मेरे साथ पेशेंस रखा आठ एग्जाम्पल का चलो बोलो एंड द आंसर इज आर ओ आर आंसर ज आर ओ आर विदउट एनी डाउट पहले क्राइटेरिया में वो रेसिडेंट मिल जाता बिकॉज ऑफ वन एटी टू डेज ठीक है फिर कोई भी दो साल रेसिडेंट आराम से मिल जाएगा अगले दो साल फिर थ्री सिक्स थर्टी डेज वैसे ही मिल जाएंगे आप ऊपर से नीचे तक भी देख लोगे तो आपकी आंखों से ही आंसर आ जाएगा गेम ओवर समझ गया तुमको इधर आओ इस कंसेप्ट पे वापस आओ आर ओ आर आर एनओर आर ओ आर है तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा अब आर एन आर क्या होगा इधर जाओ तुरंत इफ यू फेल टू सेफाई सिक्स को अगर फेल कर दिया मतलब दोनों भी सेटिस्फाई नहीं किया, से किया। बाई डिफॉल्ट में आर एनओ आर में आ जाओगे आर एनआर के क्राइटेरिया क्या थे जरा देखना ही इज रेसिडेंट फॉर नाइन आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रोसिडिंग ईयर अगर दस साल में से नौ साल वो नॉन रेसिडेंट रह गया तो दो साल तो वो रेसिडेंट रह ही नहीं सकता तो बाई डिफॉल्ट में आर एनओआर में आ गए आप अगर वो इंडिया में पिछले सात सालों में सेवन थर्टी डेज था ही नहीं अप टू सेवन ट्वेंटी नाइन डेज ही था तो बाय डिफॉल्ट में आर एन आर में आ गया आ हो इज दैट डन चलो जी डन चलो प्रभु अब नीचे आओ नीचे आओ यहां सबको आर एन ओ आर आर एन आर आर ओ आर समझ में आ गया अब यहां पे आते हैं इस फील्ड में ये देखो रेसिडेंट और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उसमें भी बियॉन्ड पंद्रह लाख यहां हमने दो क्राइटेरिया खाली रखे अब वो समय आ गया है जब हम इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर ले अगर कोई भी इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडिया जो ऐसे तो आउटसाइड इंडिया है और इंडिया आ रहा है विजिट के लिए ऐसे एटलीस्टी डेज इंडिया में स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट वन ट्वेंटी डेज से ऊपर अपटून टू डेज है इसे आप क्या मानोगे लॉ कहता है स्ट्रेट अवे इसे आर एन ओ आर ट्रीट किया जाए अगर कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और वो कहां आता है बेटा इंडिया में आता है 120 दिन से ज्यादा अप टू डेज रहता है लॉ कहता है इसे आर एन ट्रीट कर लेना चाहिए जनरल ट्रीटमेंट आर एन ट्रीट करके खत्म करना चाहिए मतलब अगर कोई इंडियन सिटीजन है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में 15 लाख से ज्यादा कमाता है 120 दिन से ज्यादा और 182 एटी टू डेज तक के रहता है तो इसको आपको इतना सेक्शन सिक्स फिक्स करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट इसको आरएनओआर आर में ट्रीट कर लो पर अगर वो वन एटी टू डेज से भी ज्यादा होता है तो फिर या तो वो आरओआर आर होगा और आर आर होगा डिपेंडिंग अपॉन सिक्स सिक्स हालांकि अगर वो वन एटी टू डेज से ज्यादा रहता है तब आप अप्लाई करो 120 से 182 डेज तक के रहता है दिमागी मत लगाओ आर एन ओ आर डिक्लेयर कर दो दिमागी मत लगाओ आर एन ओ आर डिक्लेयर कर दो चेक कीजिएगा तो इंडिया में रहना ही था उसको 120 डेज से ज्यादा अप टू, टू डेज है वो कहते हैं यार तुम इतना सिक्स सिक्स मत दिमाग लगाओ तुम स्ट्रेट अवे आर एन ओ आर डिक्लेयर करो और खत्म करो तीसरा अगर 182 डेज से ज्यादा है तो तो तुम आर एनओ आर डिपेंड करता है सिक्स सिक्स पर वेरीफाई करो डन इधर आइए प्रूफ रीडिंग कीजिए साथ में पेज नंबर टू पे ही आपको दिख जाएगा इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग इनकम एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज एंड लाइबिलिटी टू पे टैक्स इन अनादर कंट्री एंड नो लाइबिलिटी टू पे टैक्स इन अनादर कंट्री एंड यहां पर होना चाहिए नो एंड नो लाइबिलिटी टू पे टैक्स इन अनादर कंट्री पर्सन विल बी ट्रीटेड एज आर एन ओ आर स्ट्रेट अवे वेट ये नो भी कट कर दीजिए मैंने नीचे लिखा है स्ट्रेट अवे नो आर एन ओ आर ये रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड अपॉन द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इट इज अप टू वन ट्वेंटी डेज अवे डिक्लेयर हिम एज नॉन रेसिडेंट वन ट्वेंटी डेज बट लेस देस उसको आर एन ओ आर डिक्लेयर कर दो वन एटी टू डेज से ज्यादा है तो आपको रेसिडेंट तो वो रहेगा ही आर ओ आर या आर एन ओ आर सिक्स सिक्स पर डिपेंड करता है आर ओ आर या आर एन ओ आर सिक्स सिक्स पर डिपेंड करता है डन देने प्रभु अब आते तीसरे क्राइटेरिया पे डीम्ड रेसिडेंट डीम्ड रेसिडेंट क्योंकि सिर्फ रेसिडेंट होने से काम नहीं चलेगा उसको या तो आरओआर आर बनाना होगा या तो आर आर बनाना होगा अब डीम्ड रेसिडेंट मतलब इंडियन सिटीजन जो ऐसे तो आउटसाइड इंडिया इंडिया में विजिट करने आता है पंद्रह लाख से ज्यादा कमाता है और किसी भी और कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा ये रेसिडेंट तो बन गया आरओ आर या आर लॉ कहता है ही विल बी ट्रीटेड एस आर एन ओ आर लॉ बोलता है हम उसको स्ट्रेट अवे आर एन ओ आर ट्रीट करेंगे इधर आइए सिक्स वन ए में नीचे लिखिए ही विल बी स्ट्रेट अवे ट्रीटेड एस आर ओ आर मतलब आप अब समझे मैंने क्यों कुछ चीजें छुड़ा के रखी थी क्योंकि उसके लिए आपको आर एनओ आर आर ओ आर समझना था वो समझ गए तो नीचे के क्राइटेरिया ऑटोमेटिक समझ में आएंगे सो so, अगर कोई डीम्ड रेसिडेंट है सिक्स वन ए के हिसाब से तो वो बाय डिफॉल्ट में आर एन ओ आर बन गया अगर कोई डीम्ड रेसिडेंट है तो वो बाय डिफॉल्ट में आर एन ओ आर बन गया आइए ये भी पढ़ते हैं सर ये सब आपके नोट्स में लिखा है पेज नंबर थ्री पे जाइए एज पर सिक्स सिक्स इफ अ पर्सन इज डीम्ड रेसिडेंट एज पर सिक्स वन ए शाल बी डीम टू बी आर एन ओ आर वो बाई डिफॉल्ट में आर एनओ आर बन जाएगा वो बाई डिफॉल्ट में क्या बन जाएगा, बन जाएगा। अगर तो एप्लीकेबल नहीं होता तो थोड़ी देर पहले किसी मेरे से बच्चे ने सवाल पूछा था सर ये सेक्शन ओवरलैप तो नहीं होते ये रहा उसका जवाब क्लियर कट आपके सामने की अगर सिक्स वन में रेसिडेंट है तो सिक्स वन ए अप्लाई नहीं होता सिक्स वन ए अप्लाई होता है तो सिक्स वन अप्लाई नहीं होता आपका जवाब मिल गया बेटा दूसरा सवाल सिक्स वन ए डज नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जैसा कि हमने कहा था हू इज नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आर ओ आर का क्राइटेरिया देखिए पेज नंबर थ्री पे आर ओ आर मतलब क्या सेटिस्फाई ही इज रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट टू आउट ऑफ टेन एनी टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रसिडिंग ईयर एंड एंड ज इन इंडिया फॉर सेवन थर्टी डेज इन सेवन प्रीवियस प्रोसीडिंग ईयर तो हम उसको क्या कह सकते हैं आर ओ आर कह सकते हैं बात समझ में आई बात समझ में आई अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं आर एनओ आर के कितने क्राइटेरिया बने एक दो तीन या चार ढूंढ के बताइए आपके रजिस्टर में नीचे पढ़िए मत नीचे पढ़िए मत आर एन ओ आर के लिए अब कितनी कंडीशन बन गए कोई भी व्यक्ति आर एन ओ आर माना जाएगा एक दो तीन या चार कितने क्राइटेरिया बने सोच के बताइए कितने क्राइटेरिया बने समझदार व्यक्ति को मेरे साथ चाय पीने का मौका मिलेगा जब भी वो पुणे में रहेगा तब चाय मेरे तरफ से जब आप सही रहा तो एक दो तीन या चार क्राइटेरिया बन गए आरएनओ आर के लिए एक दो तीन या चार तो जिन जिन ने जवाब दिया है चार ये सब लोग एलिजिबल हो गए मेरे साथ चाय पीने के लिए जब भी वो पुणे में रहे सर चाय क्यों भाई अपन चाय लवर है चाय मतलब चाय है इसका कॉफी दूध बॉनविटा से कंपैरिजन नहीं हो सकता चाय 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 सर चार क्राइटेरिया कैसे बन गए ये बताओ बताता हूं सिचुएशन नंबर वन अगर आप नाइन आउट ऑफ टेन नॉन रेसिडेंट रहे अगर आप नाइन आउट ऑफ टेन नॉन रेसिडेंट रहे तो आप आर एनअर अगर आप सेवन थर्टी डेज इंडिया में नहीं है सेवन प्रीवियस प्रिसिडिंग ईयर में तो आप नॉन रेसिडेंट अगर आप इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु इज आउटसाइड इंडिया कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट इनकम पंद्रह लाख से ज्यादा कमाता है एंड स्टेज फॉर मोर देन वन एंटी टू डेज अप मोर देन वन ट्वेंटी डेज अपन एटी टू डेज अगर आप डीम्ड रेसिडेंट है आप से, तो आप बाई डिफॉल्ट में आ रहे नुम चार क्राइटेरिया बनते हैं। चार क्राइटेरिया बनतेस और नो पढ़ लीजिए नीचे चारों एक मिनट में समझ में आएंगे ही हैज बिन नॉन रेसिडेंट इन नाइन आउट ऑफ टेन he has been in 757 previous, pre previous preceding year 729 days or less indian citizen person of indian origin having total income exceeding 15 lakh who has been in india for a period 120 days or more but less than 182 days and who is deemed to be resident as per clause 1a that is section 61a गेम ओवर आप चाय लव है रे चाय लव है अब ये समझ में आया क्या लिखा है लेकिन थेरी पढ़ा देता तुमको इतू सा समझ में नहीं आता क्या है अब तुमको यहां नहीं यान आ गया कि हां ये चार क्राइटेरिया क्यों है क्योंकि कहीं के भी एक्सेप्शन में आ रहे क्लियर और नॉट क्लियर फुल रिस्पेक्ट और नॉट रिस्पेक्ट अब समझा ये चार क्राइटेरिया तुमको अगर पहले पढ़ा देता ना या थे पढ़ा देता तो थेरी में मजा नहीं आता एग्जाम्पल के साथ लिया तो तुमको मजा आएगा कि हाँ ऐसा था इसके लिए ऐसा हुआ इसीलिए के दो क्राइटेरिया और आर के चार क्राइटेरिया बने हंड्रेड परसेंट फुल रिस्पेक्ट फिर मालिक और क्या ही चाहिए तुमको जीवन में तो जितने लोगों का जवाब चार था और जिसको पूरा तीन घंटे का लेक्चर लास्ट में समझ में आया होगा मैं आपको बताऊं ये पूरे तीन घंटे के लेक्चर में ईमानदारी से शुरुआत में अरे क्या चल रहा है अरे क्या चल रहा है अरे क्या चल रहा है मास्टर पागल हो गया कुछ भी पढ़ा रहा मास्टर क्या पढ़ा रहा खुद थमन में नहीं आ रहा और जिसने ईमानदारी से तीन घंटा बैठ गया मा कसम अब सवाल पूछ मैंने से तेरा भाई तेरे को बताएगा तेरे भाई तेरे को बताएगा जवाब बताएगा तेरा भाई तेरे को बहुत हार्ड यस yes. किसी ने बोला अबे ये रेसिडेंशियल स्टेटस फालतू है एक काम कर लेमन चूस ले तू तेरे को कुछ नहीं समझता रेसिडेंशियल मिनट बैठ मेरे साथ मिनट बैठ मेरे साथ पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस तेरे को समझाएगा भाई तेरा पंद्रह मिनट में पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस समझाएगा यस yes. किसी ने बोला अरे रेसिडेंशियल स्टेटस कितना बकवास टॉपिक है झंडू तूने सही आदमी से पढ़ा नहीं है सुन इधर इधर इधरा

बराबर खड़े हो जाओ और सिर्फ सुनते रहना आंखें बंद आंखें बंद जरा चार्ट को इमेजिन करना पूरे चार्ट को बना आंखें बंद बन जिसने आंखें खोली उसको अपनी एक्स की कसम ध्यान से सुनो अ पर्सन कैन इधर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट है तो दोनों में से एक क्राइटेरिया स्टेज इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर इन प्रीवियस इयर और सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्स डेज इन फोर प्रीवियस प्रिडिंग इगर यह कंडीशन सेटिसफाई हुई तो ठीक है नहीं तो नॉन रेसिडेंट इसके तीन एक्सेप्शन है मतलब तीन लोग वन एटी टू डेज इंडिया में है तो अदरवाइज नॉन रेसिडेंट पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट शिप क्रू मेंबर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पूरे क्राइटेरिया को बाजू करो इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट एंड इनकम इज अपू फिफ्टीन लैक He will be treated as resident अगर वो इंडिया में 182 days रहता है या उससे ज़्यादा रहता है तो 15 लाख से ज़्यादा कमा रहा है एक के जगह दो क्राइटेरिया He is resident if he stays in India for 182 days or more in previous year or 120 days in previous year and 365 days in four previous preceding year Yes इसके बाद एक और क्राइटेरिया deemed resident के लिए अगर कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन है उटसाइड इंडिया कमिंग टू विजिट इन इंडिया एंड पंद्रह लाख से ज्यादा वो इंडियन सोर्स से तो ऐसे केस में उसको हम क्या मानेंगे बेटा रेसिडेंट मान लेंगे अगर वो अगर वो किसी भी और कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है तो इंडिया में डीम्ड रेसिडेंट बन गया रेसिडेंट होने से काम नहीं चलता मम्मी को बोलो कॉम्प्लेट पिला इसे आर ओ आर या आर एन ओ आर बनाए आर ओ आर या आर एनओ आर बनाए आर ओ आर के लिए कितने क्राइटेरिया है बोल जोर से दो कौन कौन से दो ही इज रेसिडेंट फॉर एनी टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रेसिडिंग स्टेज इन इंडिया फॉर सेवन थर्टी डेज इन सेवन प्रीवियसिडीवाइजरिया इज नॉन रेसिडेंट फॉर नाइन आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रेसिडिंग इज इन इंडिया फॉर अपू से मोर देन वन ट्वेंटी डेज लेस देन वन एटी टू डेज इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसने इंडिया से पंद्रह लाख ,00 से ज्यादा कमाया है चौथा अगर वो डीम्ड रेसिडेंट है तो वो डीम्ड आर रही है, खत्म आ खोल लो भाई साहब आज इतना पड़ा है आज इतना ही पड़ा है शायद एक हाथ पेज भरा होगा आपका सर घंटे की सस्पेंस मूवी लास्ट में समझ में आया थ्रिलर थी सर पूरा दिमाग ही घूम गया था शुरुआत में बहुत मजा आ गया भाई साहब फुल रिस्पेक्ट बहुत बहुत हार्ड आप सभी को बहुत सारा प्यार रोमांसिंग द टैक्सेशन अब जोड़ो प्रोविजन तो वैसे ही जुड़ जाएंगे कड़िया जोड़ो इसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद कनेक्शन से पढ़ने का जो मजा है ना वो कनेक्शन में ही है कनेक्शन से पढ़ने का बहुत जबरदस्त मजा आता है सर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में क्या फर्क है दोनों अलग अलग क्राइटेरिया बेटा दोनों का डेफिनेशन पढ़ो यस सर इंसेप्शन मूवीज ऐसा था स्टार्टिंग में I'm, मतलब मैं फॉरेन मूवीज नहीं देखता तो मुझे पता नहीं आपने क्या कहा बट आप कुछ कह रहे तो सही होगा यस yes. सर एक पेज ही तो था पांच पेज पागल गए तुम कहां से पांच पेज मैंने लिखा है एक पेज है हाँ अब एक सवाल यहां पे फिर से पूछा जाएगा सर ये आर ओ आर आर एनओ आर एनआर ये सब होता क्या है सर क्या फायदा है इनसे सब कुछ आज ही जान लोगे क्या कल शायरी से कहना चाहूंगा लेक्चर को एंड करना चाहूंगा एक ही दिन में मुझे समझ लोगे क्या मैंने खुद को बनाने के लिए सदियां बिताई है ध्यान तो समझना क्या एक ही दिन में पूरा इनकम टैक्स पढ़ लोगे क्या एक ही दिन में समझ लोगे क्या मुझे मैंने खुद को बनाने में सदिया बिताई है आज के लिए इतना ही बाय बाय एंड टेक केयर एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज कम और जिसको डाउट नहीं है बाय बाय टेक केयर कल मिलते हैं इंपॉर्टेंट नोट आज जितना पढ़ाया घर से रिवाइज करके आना नहीं तो कल का लेक्चर नहीं समझेगा जितना पढ़ाया घर से रिवाइज करके आना नहीं तो कल का लेक्चर नहीं समझेगा बाकी एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क बहुत सारा प्यार आप सभी को मालिक सर स्टॉक मार्केट के लिए कौन सा ऐप है कोई ऐप काम नहीं आता पेपर पढ़ो स्टॉक मार्केट के लिए हाँ अगर कोई रेसिडेंट है आर ओ आर नहीं है तो भाई डिफॉल्ट में आर एन ओ आर सर आपसे डिसीजन डीटी पढ़ने का डिसीजन बिल्कुल सही था यू बच्चे सर इन सब में आगे का कोई और क्राइटेरिया है क्या नहीं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है यदि आप या आपके पप्पा या आपके दादाजी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाओगे राज इसके लिए आप प्लीज जहां से भी आपने बाय किया था आप वहां पे मेल डालिए वहां से आपको रिप्लाई आ जाएगा डीम्ड रेसिडेंट बनने के लिए आपको नंबर ऑफ डेज इंडिया का कोई लेन देन ही नहीं है बेटा सर सीडीएस पे बुक्स नहीं आए अरे तुमको बुक से लेन देन है सीडीएस पे आए नहीं आए क्या फर्क पड़ता है तुम उधर जाओ उधर से भी पीडीएफ डाउनलोड हो रहा तो तुम सीडीएस के पीछे ही क्यों पड़े हो मेरे को समझ नहीं आता ट्रेडिंग के लिए ऐप ट्रेडिंग के लिए ऐप देखिए बहुत सारे हैं आप किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता जिसका ब्रोकरेज कम आप वो सिलेक्ट कर लीजिए टाटा पावर 200 क्रॉस प्रभु बोला ही था मैंने मेरे पापा आ गए पापा आई लव यू मेरे डैड इज इन कमेंट बॉक्स हाँ बिल्कुल आदित्य आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रिंट क्यों करवाना है आप एक बात समझो प्रिंट क्यों करवाना है पीडीएफ रख लो ना अभी तुम्हारे पास जैक लेक्चर नंबर वन हाँ बेटा एलिजिबल है सर क्या पढ़ाया है एक नंबर थैंक यू सो मच मेरे बच्चे मजा आ गया तुमको और क्या चाहिए मेरे को डन डन बेटा गेम ओवर थैंक यू सो मच फॉर द डे बाय बाय एंड टेक केयर अपने मेल जरूर चेक कर लेना आपको मेल आ जाएगा सीएसएस विजयसाडा से आपके क्राइटेरिया का वेट कीजिए मेल आ गया मतलब आपकी बुक्स ऑलरेडी डिस्पैच हो गई होगी डन ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का बाय बाय एंड टेक केयर बाय बोलो बच्चो